जो हॉट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मनी मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो आप फाइंड कर सकते हैं। सो किस तरह से आप उस इस पूरे मॉड्यूल को फॉलो करेंगे, सो इट्स वेरी मेक श्योर यू फॉलो दिस वेरी केयरफुली। अगर कोई क्वेश्चन आता है वो प्लीज आस्क मी एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर अंटिल यू आर सेटिस्फाइड। राइट, सो सो बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी है इसमें ये कि I mean, last time obviously those who were there, जो Amazon है इस time individually it's making 170 billion per year in revenue, और is predicting जो है 2018 में 220 million. So just imagine 220 billion जो calculator में fit नहीं होंगे, तो इससे पूरा पाकिस्तान बन सकता है, इतनी वो prediction है कि वो sell कर रहे हैं। और ये figures जो मैंने खुद से नहीं लिखी, ये मैंने अमेज़न की ऑफिशियल अथॉरिटीज जो कि पब्लिकली रिकॉर्ड्स में होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह से, वहां से ये लिए हैं। यू आर हैव वेलकम टू सर्च ऑन दिस। सो इट्स वेरी 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 बिग पोटेंशियल, और आप वेरी बहुत लकी हैं कि आप इसके ऊपर अब बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें आई मीन नेवर एवर गिव अप बेसिकली, बिकॉज़ देयर इज अ बिग पोटेंशियल। सो ये सम रियल फिगर्स जो आपने लास्ट टाइम देखी थी, आई डोंट गो इन मच डिटेल बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी सीन एंड इट्स प्रूवन। So it's ये potential है basically, this is actually you can make, if I can make then you can make. और last time obviously जैसे कि discuss किया था कि क्यों ये training दे रहा हूँ, क्योंकि Amazon is rapidly growing so fast, right? So इसमें ये नहीं है कि हम मैं अपने competitors को तैयार कर रहा हूँ, इसमें ये है कि अगर 1 लाख sale किसी एक बंदे की हो रही है एक प्रोडक्ट से, तो वो दूसरा बंदा आएगा एटलीस्ट उसकी 10,000 होगी, तो इसमें उसको इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अमेज़न इज ग्रोइंग वेरी 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 फास्ट। एंड थिंक सर्च अबाउट दिस एक्चुअली कि अमेज़न की ईयर बाय ईयर ग्रोथ क्या है, और वो ग्रोथ यही है कि इतने ज्यादा सेलर्स हैं और उतने ही ज्यादा लोग बाय करते हैं उस पर। और इसमें मतलब आई ऑलवेज से कि नो प्लान बी, ना अगर आपने ये स्टार्ट किया है तो प्लीज कि इसमें आपका जो माइंड सेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इसमें आपको काफी ज्यादा हसल्स आएंगे, इसमें इश्यूज आएंगे, जो कि ऑब्वियसली हम आपको सपोर्ट देंगे, बट नेवर एवर गिव अप। इसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरा प्लान बी है, मैं दूसरा करूंगा। जब आपने फोकस कर लिया कि यही मेरा प्लान वे है, इट्स डू और डाई, मैंने ये करना है, अगर आपको ये मोटो होगा तो आई एम श्योर कि यू विल बी सक्सेसफुल। सो इसमें ये आपने माइंड सेट लेकर, माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर माइंड सेट नहीं होगा तो वो आप गिव अप कर जाएंगे within this business. So इसमें it's very important कि mindset. अच्छा, जो last time हमने obviously discuss की थी कि Amazon की जो selling है, Amazon के अपने एक rules हैं। Amazon ये नहीं करता कि जी मतलब आप जैसा मर्जी करें, जो आपका दिल चाहता है, उसके एक certain rules हैं, उसकी एक certain policies हैं, जैसे कि मैंने link add किया था। So obviously I'll share these slides as well, Imran, आप happy to share module 1. इसमें कुछ लिंक्स हैं जो कि आप मतलब यहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है उसकी पॉलिसीज हैं, किस तरह से जो कंट्रीज कौन से स्टेप्स करते हैं, इंटरनेशनल सेलर्स की क्या नोटिस हैं, मतलब जस्ट थिंक अबाउट दिस और रीड अबाउट ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपको काफी ये कि हेल्पफुल इसमें कदा वो दी गई हैं इन्होंने पॉलिसीज अपनी, जस्ट गो थ्रू दिस लिंक्स। इसमें सारी डिटेल्स हैं कि क्या वो चार्ज करते हैं, किस तरह से आपने इंक्रीज सेल करने वाले, दीज आर ऑल ऑफ देयर हेल्प बुक। सो ये लिंक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मेक श्योर कीजिएगा जब भी आपके पास थोड़ा वाइल यू आर डूइंग सम अदर स्टफ, इसमें आप जाकर ये रीड करें, ये सारी हेल्प है अमेज़न सेलर्स की, इट्स लाइक अ मोर ऑफ यूनिवर्सिटी विच दे कॉल्ड एज। सो इसको मतलब अकाउंट सिक्योर कैसे करना है, FBA क्या होता है, आपने इंटरनेशनली इसी अकाउंट को अगर आगे लेकर चलना है तो किस तरह से करना है, ऑर्डर्स कैसे मैनेज करना है, मतलब ये सब कुछ है। बट ऑब्वियसली मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा भी, तो इसमें ये नहीं है कि आप बस ये रीड करें, इसमें मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा अपनी लैंग्वेज में और आसान वर्ड्स में, ताकि आपको क्लियर हो सके ये सारा क्या है। बट अगर आपको बाद में भी कभी रीड करना पड़े कि अमेज़न क्या कहता है, तो आप यू आर हैप्पी एंड वेलकम टू रीड दिस, राइट? ओके, अच्छा अमेज़न क्यों काम करता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अमेज़न सबसे ज्यादा केयर करता है अपनी कस्टमर की। सो अमेज़न डजंट केयर मच अबाउट सेलर, सो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सेल करें। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं सेल करेंगे तो अमेज़न आपको डाउन द लाइन बेसिस ऑन बैड रिव्यूज पिनलाइज कर सकता है।
और मतलब ये नहीं है कि ये जैसे लोग अपनी साइट बनाकर फिर वहां पे पॉजिटिव रिव्यूज लाकर उसको रिमूव कर लेते हैं या नीचे ले जाते हैं, मतलब बैड रिव्यूज फिर भी रहते हैं, और आप जो मर्जी कर लें अमेज़न रिमूव नहीं करेगा अंटिल एंड अनलेस उसमें काफी कंट्रोवर्शियल बात लिखी हो लाइक पॉलिटिक्स और अब्यूसिव लैंग्वेज, तो इसमें फिर अमेज़न रिमूव कर देगा, अदरवाइज जो रिव्यूज हैं वो कभी रिमूव नहीं होंगे अंटिल एंड अनलेस के वेरी वेग राइट। सो अभी हम उस अमेज़न के पेज को देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू सम ओवरव्यू सो आप अंडरस्टैंड करें। अच्छा, जो लोग न्यू हैं जिन्होंने नहीं अटेंड किया था लास्ट टाइम, उनके लिए आई जस्ट वांट टू गिव सम ओवरव्यू कि ये कैसा चलता है। जैसे मतलब कि आप सोच रहे होंगे यार अमेज़न पे मैं कैसे सेल करूंगा, वो तो अमेज़न तो दूर बट है इतना, या amazon.com या .co.uk या जो भी है, उसमें मैं कैसे बेसिकली मेरी प्रोडक्ट शिप्स होंगी। तो इसमें आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं कि आप बेसिकली क्या करेंगे, यू सेंड प्रोडक्ट्स टू अमेज़न। व्हेन आई से यू, एक्चुअली दिस इज योर सप्लायर, उसमें हम आपको जैसे सेकंड मॉड्यूल है हमारा सप्लायर को फाइंड करना, तो सप्लायर को क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, क्या कहना है, तो इसमें ये है कि ये सप्लायर से ही हम डिस्कस करके वो आगे शिप करेगा, और शिप करेगा अमेज़न के स्टोर को, और अमेज़न क्या करेगा आपकी प्रोडक्ट को स्टोर करेगा। किस तरह स्टोर करेगा, क्योंकि हर बंदे के नाम के अगेंस्ट एक बार कोड जनरेट होता है, और जो बार कोड हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट जनरेट होता है वो बार कोड आप हर बॉक्स पे लगाएंगे, जाके जब अमेज़न के US वेयर हाउस में पहुंचे तो उनको पता चले कि ये XYZ की तरफ से आई है, और वो आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट स्टोर कर लेता है। इसी तरह कस्टमर जब परचेज करता है आपकी प्रोडक्ट, तो अमेज़न वही वहां से उठाकर जहां पे उसने स्टोरेज किया होता है उसको पिक एंड पैक करता है और फिर शिप कर देता है कस्टमर्स को। और इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल अगर $15 की चीज है तो उसमें से अमेज़न 15% रेफर फी चार्ज करता है और FBA की फीस अलग से चार्ज करता है। तो ये सब चीजें आपने अभी अब दिखाऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है, तो इसमें बड़ा डिपेंड्स करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें और अपनी प्रोडक्ट का वेट क्या हो, ये सारी चीजें मैटर करेंगी जब इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट्स। ये नहीं है कि जस्ट आई लाइक दिस प्रोडक्ट एंड आई एम गोइंग टू सेल दिस एंड आई एम श्योर दिस विल वर्क। सो इसके सारे फैक्टर्स हमने काउंट करने हैं, वो हम नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स में हम पढ़ेंगे आगे जाकर। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट मॉड्यूल 1 बेसिकली ऑफिशियली, अगर कोई इसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं फिर हम चलते हैं अकाउंट सेटअप कैसे करना है, क्या उसकी ऑप्शंस हैं, अगर कोई इसमें बेसिक सवाल हो आप पूछ सकते हैं। राइट, सो इन मींस के सबको इस वक्त क्लियर है जो भी हो रहा है, राइट, ओके, गुड। अच्छा, इसमें अब हमने अकाउंट को सेटअप कैसे करना है, इसमें अकाउंट सेटअप करने के लिए हमारे पास बेसिकली कुछ ऑप्शंस हैं, लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। सो हमने जब अकाउंट बनाना है उसमें अमेज़न हमसे क्या रिक्वायर्ड करता है, नाम, आपका पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल, क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट, और लेट्स स्टार्ट वन बाय वन के इसमें से हम कैसे इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और सेलर सेंट्रल से आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं अपनी जो एक्सेस होगी, इन्वेंटरी एंड शिपमेंट, कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स एंड मोर, वो भी मैं आपको अभी डेमो देता हूं कि आपने किस तरह से करना है जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। राइट, सो इसमें आपको ये भी सिलेक्शन है कि आप किस मार्केट बेस में सबसे ज्यादा सिलेक्ट करें, तो मेरी डेफिनेट रिकमेंडेशन है amazon.com पे USA में, क्योंकि amazon.com का आप पोटेंशियल देख सकते हैं कि इट्स प्रेडिक्टेड टू बी मेकिंग बिलियंस, एज यू कैन सी ये टू बार है, ये बेसिकली amazon.com की बार है, रेस्ट ऑफ देम आर स्मॉल कंट्रीज, उसको हम बाद में एक्सपेंड कर सकते हैं, वो भी वन ऑफ द मॉड्यूल है कि इस तरह हम एक्सपेंड करेंगे डिफरेंट कंट्रीज में, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम amazon बिकॉज उसमें बिगेस्ट मार्जिन है और बिगेस्ट पब्लिक इन्वॉल्व है, अमेरिका की पब्लिक ऑलमोस्ट 35 करोड़ प्लस है, और बाकी कंट्रीज जैसे UK है वो 6 करोड़ है, तो मतलब यू कैन सी द पोटेंशियल के इसमें पब्लिक भी ज्यादा है और लोग amazon को यूज भी ज्यादा करते हैं। अच्छा, इसमें अब जैसे हमारे पास दो ऑप्शन हैं अकाउंट ओपन करने की, एक होता है पर्सनल अकाउंट। अच्छा, पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि आपके नाम पे
जैसे मेरा नाम है साकिब अजहर और मैं अपना अकाउंट जो है बनाऊंगा अपने नाम पे, मैं कहूंगा जी मेरा अपना नाम है और मेरा कोई बिजनेस नहीं है, सो मैं बेसिकली एज अ सेल्फ एम्प्लॉय काम करूंगा। और उसमें क्या है कि आपको सिर्फ घर का एड्रेस देना है, कोई भी एड्रेस देना है, यूएसए का क्रेडिट कार्ड और ये चीजें चाहिए, और कोई आपको टैक्स आईडी इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। इसमें पर्सनल अकाउंट है और जो पर्सनल इसमें ओबीसी क्या होता है कि इसमें आपको थोड़ी लिमिटेशन होती है पर्सनल अकाउंट में, इसमें आपको अमेजोन के कुछ टूल्स जो है वो यूज नहीं कर सकते और इसकी चार्ज फी भी डिफरेंट है। और पर्सनल अकाउंट में अभी अब आपको बताते हैं कि एड्रेस और क्रेडिट कार्ड ये सारा आप कहाँ से लेंगे, ओबीसी ये आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे होंगे यार मेरे पास तो पाकिस्तान का एड्रेस है कहाँ से आएगा। इसी तरह बिजनेस अकाउंट है, जो बिजनेस अकाउंट होते हैं वो जैसे आपकी कंपनी अकाउंट होते हैं, जैसे LLC इज बेसिकली कंपनी नेम, जैसे आप पाकिस्तान में लिमिटेड कंपनीज होते हैं इसी तरह LLC US में LLC कहते हैं, UK में लिमिटेड कहते हैं LTD और पाकिस्तान में डिफरेंट नेम्स हैं। इस तरह बेसिकली लिमिटेड कंपनी जो होती है इसमें इस तरह से LLC भी इज वन ऑफ द अब्रीवेशन, इसको कॉर्पोरेशन कहते हैं बेसिकली इन इजी वर्ड, राइट। सो एज यू कैन सी के इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं कि बिजनेस अकाउंट के जो प्रोज हैं ये है कि आपको ओबीसी सारी एक्सेस अमेजोन की मिलती है, और इसमें जो इसके बिजनेस अकाउंट के कॉन्स हैं, सॉरी इसमें मिस कर लेंगे, दीस आर एक्चुअली कॉन्स। सो इसमें जो कॉन्स हैं इसमें यह कि जो LLC सेटअप करते हैं उसका थोड़ा सा टाइम लगता है और इसमें ओबीसी आपके कोर्स इन्वॉल्व होती है, लेकिन अगर आपने इसको प्रोफेशनली लेकर चलना है तो बिजनेस अकाउंट इज वे टू गो लाइक प्रोफेशनल अकाउंट। बट एट द मोमेंट इन ऑर्डर टू बिगिन विद आई ऑलवेज एंड हाईली रिकमेंड कि आप पर्सनल अकाउंट से स्टार्ट करें, बिकॉज साइड बाय साइड आप बिजनेस अकाउंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दें लेकिन एटलीस्ट आपका अकाउंट सेटअप हो जाए पर्सनल अकाउंट से। और पर्सनल अकाउंट ये है कि आप इजिली स्विच कर सकते हैं फ्रॉम पर्सनल टू बिजनेस, इट्स वेरी इजी, इट्स लाइक वन क्लिक। अगर आप पर्सनल हैं तो आप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं सेलर सेंट्रल में जाकर, इट्स वेरी इजी, तो वो भी मैं आपको अभी शो करता हूँ कैसे, राइट। तो इसमें इंडिविजुअल अकाउंट की जो फीस है, जब इंडिविजुअल प्लान मींस एक्चुअली पर्सनल अकाउंट, सो हियर आई कॉल्ड एज इंडिविजुअल प्लान विच मींस पर्सनल। इसमें ये है कि अमेजोन जो है वो जो आपको पर प्रोडक्ट जो है 0.99 फी चार्ज करता है, और प्रोफेशनल प्लान जो है वो ओबीसी उसमें आपको $40 पर मंथ चार्ज की जाती है रिगार्डलेस व्हाटएवर योर सेल इज। तो इसमें ओबीसी वंस यू स्टार्ट मेकिंग सेल यू कैन इजीली कन्वर्ट टू प्रोफेशनल प्लान व्हिच इज वेरी इजी टू कन्वर्ट, राइट। सो अब बेसिकली देखते हैं कि हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो इसमें ओबीसी ये कंट्रीज हैं जो आपके सामने इस टाइम है, अब ये कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ अलाउ हैं अमेजोन के अंदर, Amazon सिर्फ इन कंट्रीज को अलाउ करता है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकें Amazon की वेबसाइट पर जाकर। लेट मी एक्चुअली शो यू साइड बाय साइड के कुछ डेमो एज वेल, तो आपको जरा क्लियर हो। सो इसका जो URL है वो है जी sellercentral.amazon.com, राइट। सो sellercentral.amazon.com इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं इस तरह से रजिस्टर्ड। जब आप इसको रजिस्टर्ड को क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना शुरू कर देगा, राइट। स्टार्ट सेलिंग इस तरह से मतलब आपसे मतलब यू कैन कीप क्लिकिंग और कीप मूविंग इस जो बेसिक डिटेल्स है, राइट। अच्छा इसमें अब ऑब्वियसली अब आप तो इन कंट्रीज में नहीं मौजूद, राइट। सो आप तो पाकिस्तान में हैं, तो इसमें से क्या ऑप्शंस हैं कि हम पाकिस्तान में बैठे बैठे अकाउंट ओपन कर सकें अमेजोन के अंदर। तो इसमें सबसे पहले आई हाईली रिकमेंड कि आप USA का एड्रेस परचेज करें। सो बेसिकली अर्थ क्लास ईमेल जो है, सॉरी अर्थ क्लास मेल और भी काफ़ी हैं, US 1 एंड ऑल दोज थिंग्स और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो अर्थ क्लास मेल है दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली। ये आपको क्या करता है, ये बेसिकली आपको एक वर्चुअल एड्रेस दे देता है अमेजोन का, सॉरी। सो बेसिकली अर्थ क्लास मेल आप जब इससे साइन अप करेंगे तो आपको ये एक वर्चुअल एड्रेस देगा जिसके अंदर आप अपनी मेल भी रिसीव कर सकते हैं कहीं से भी बैठे, और मतलब ये कि आपको एक एलोकेशन दे दी जाएगी जो कि आप आपके नाम से ये
एड्रेस जनरेट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टेट में आप इसको खोल सकते हैं, इट डजेंट मैटर, इसमें कोई लिमिट नहीं है. एज लॉन्ग एज यू पे देयर मेल वन भी है, राइट. सो इसमें आप यूएस मेल वन ने किया है, ये भी काफी लोग यूज करते हैं. तो इसमें फील फ्री टू एक्चुअली एक्सप्लोर फ्यू ऑप्शन, जो भी आपको रेट अच्छा लगे इसमें से आप एड्रेस बेसिकली बाय कर सकते हैं. तो इसमें आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो बेसिकली आपने अपने किसी रिलेटिव का यूज करना है वो प्लीज यूज कीजिए, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, किसी की मदद, जिसके लिए आपको सिर्फ डिपॉजिट मेथड चाहिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जिससे ये अकाउंट की डिडक्शन होगी. शुरू में सबसे पहले डिडक्शन ही वो बेसिकली आपकी आइडेंटिफाई करता है डिपॉजिट को होल्ड करने के लिए. तो इसके बेसिकली मेथड ये है, अदर फर्स्ट ऑफ ऑल की HSBC बैंक अकाउंट है, ये बेसिकली अलाउ करता है समटाइम्स आस्क योर यूएस HSBC बैंक आपने बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है. और सेकेंडली इसमें ये है कि करेंसी एक्सचेंज जो सर्विसेज हैं लाइक वर्ल्ड फर्स्ट और पायनर, तो पायनर जो बेसिकली ये सर्विसेज है ये क्या करते हैं आप, लेट मी ओपन इट एज वेल, सो हम इसको साइड बाय साइड देखते हैं. पायनर क्या है कि ये करेंसी एक्सचेंज सर्विस है, ये आपको क्या करता है कि आप इसमें अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो इसमें आपने वही एड्रेस देना है जो कि आपने या तो अपने जो रिलेटिव का एड्रेस था जब अकाउंट क्रिएट करते हुए, या वही देना है जो आपने यूएस मेल वन या आपने अर्थ क्लास मेल से बाय किया था. सो मेक श्योर कीजिएगा आप वही एड्रेस दें यहाँ पे जब आप पायनियर पे सेटअप करें. और पायनियर ये है कि यहाँ पे आपकी पेमेंट आएगी और यहाँ से पेमेंट आप विथड्रॉ करेंगे पाकिस्तान के अपने किसी लोकल बैंक से, जो कि UBL हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है. ये बेसिकली आपकी ये आपके अकाउंट Amazon से कनेक्ट होगा और जब कनेक्ट होगा तो ये Amazon पायनियर को पे करेगा और पायनियर विदड्रॉ करेंगे आप अपने अकाउंट से, जो कि पाकिस्तान के किसी भी लोकल बैंक से आप विदड्रॉ कर सकते हैं जो भी डॉलर का करंट एक्सचेंज चल रहा होगा. सो बेसिकली इसमें साइन अप करते हुए आपने वो एड्रेस देना है जो कि आपकी आपने या तो अर्थ क्लास मेल से बाई किया है, यूएस मेल वन से बाई किया है, या आपका रिलेटिव आपको दे रहा है जो. सो बेसिकली वो एड्रेस आपने साइन अप के लिए पायनियर में करना है. इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि अमेज़न कल को आपसे पूछ सकता है वेरिफिकेशन के लिए कि अपनी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करें. सो बेसिकली ये आपका बैंक अकाउंट है तो आप पायनियर से बैंक डिटेल्स बैंक स्टेटमेंट PDF फाइल की शक्ल में आप एक्सपोर्ट कर लेंगे और वो अमेज़न को प्रोवाइड करेंगे और अमेज़न उस एड्रेस से मैच करेगा जो कि आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए दिया था. और वो एड्रेस बेसिकली वही जो तीन ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें से आप बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं, राइट. नाम कौन से यूज करने हैं, अपना नाम भी कर सकते हैं अगर आप अपने नाम पे बना रहे हैं, या आप बेसिकली उस पे भी यूज करते हैं जो आपका हेल्प कर रहा है फ्रेंड, राइट. जी नया पायनियर अकाउंट बनाना है डेफिनेटली बेसिक, अगर आपके पास ऑलरेडी है, आई डोंट नो क्या आपके पास ऑलरेडी है या नहीं, बट नया बनाने. और पायनियर रिक्वायर्स आईडी कार्ड, सो डेफिनेटली आईडी कार्ड में आप अपना पासपोर्ट दें. मेक श्योर कीजिएगा इसको स्कैन अच्छी तरह करें कि जब आप पायनियर बेसिकली सिर्फ सिर्फ आपसे आपका आईडी मांगता है तो आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो आपने बेसिकली इसको प्रोवाइड करना है वेरिफिकेशन के लिए आपकी आइडेंटिटी के लिए, राइट. पायनियर में अगर हम वो एड्रेस करेंगे तो हम कार्ड कैसे रिसीव करेंगे, बल्कि आपको कार्ड जो है ऑनलाइन डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है पायनियर की तरफ से, राइट. एड्रेस के साथ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं अर्थ मेल वाले. एड्रेस तो वर्चुअल एड्रेस होगा ना, आपकी कोई भी मेल वहां पे रिसीव हो सकती है या कोई भी चीज बेसिकली आपकी, अगर आप उस एड्रेस पे भेजना चाहते हैं वहां पे जा सकती है. तो वी आर यूजिंग अर्थ मेल जस्ट फॉर दीज वेरिफिकेशन पर्पज, आपको कोई मेल की जरूरत नहीं है और कोई डॉक्यूमेंट मतलब प्रोवाइड उनसे क्या लेना आपने कि प्रूफ कि मेरा यहाँ पे अकाउंट है, आपको किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये अर्थ मेल से लिया आपने, अमेज़न भी आपसे नहीं पूछ रहा कि ये कहाँ से लिया, राइट. ऑलरेडी पॉइंटर है पाकिस्तान के एड्रेस पे, वो नहीं चलेगा, नहीं भाई पाकिस्तान का एड्रेस ना दें, इसलिए आपको तीन ऑप्शन बताई, अर्थ मेल से लें एड्रेस, यूएस मेल वन से लें, या अपने रिलेटिव से लें,
राइट, इन तीन ऑप्शन में से आपने चूज करना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। राइट, अगर कोई फ्रेंड यूएस में है और उसके पास ऑलरेडी अमेजोन अकाउंट है तो क्या हम यूज कर सकते हैं? जी भाई, ये कर सकते हैं अगर आपको दे सकता है डेफिनेटली, बट मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीपीएन के साथ यूज करें। कार्ड भी है बट पाकिस्तानी एड्रेस है। आई हाईली रिकमेंड कि अगर पाकिस्तानी एड्रेस है तो प्लीज इसको नहीं यूज करें, क्योंकि अमेजोन कल को जब आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगा तो आपकी बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तानी एड्रेस से निकलेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पाकिस्तान का नाम कहीं भी मेंशन नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ आप कोई एड्रेस यूज करें जो कि उन कंट्रीज में आपको मैंने दिखाया था, अदरवाइज अमेजोन पाकिस्तान का नाम सुनते ही अकाउंट सस्पेंड कर देगा। इसमें बैंक डिटेल्स भी पाइनियर में देनी पड़ती है भाई। हसन भाई, इसमें यह है कि जब आपने अकाउंट विदड्रॉ करनी है पाइनियर से, क्योंकि अमेजोन पाइनियर को पे करेगा और आप इसके थ्रू जब विदड्रॉ करेंगे तो वो आपको आपके लोकल बैंक डिटेल्स आपसे मांगेगा, तो आपने लोकल बैंक डिटेल्स देनी है ताकि आप वहां से पैसे निकाल सकें। अगर एड्रेस यूएस का देना है पाइनर पे, देन हम अपना आईडी कार्ड कैसे दे सकते हैं? भाई, यूएस में पाकिस्तानी पासपोर्ट का बंदा नहीं रह सकता। आपका अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है राइट, और आप अमेरिका में रह रहे हैं, तो इसमें क्या इशू है? मतलब आई एम एक्चुअली आंसरिंग टू वायरस। So, अगर एड्रेस यूएस का देना है पाइनर पे, देन हम अपना आईडी कार्ड कैसे यूज कर सकते हैं? आईडी कार्ड इसलिए कि आप इस टाइम अमेरिका में मौजूद हैं, अमेरिका के एड्रेस पे, और अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूज करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूके पे हूँ और मैं यूके में पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ, तो क्या मैं यूके का एड्रेस नहीं यूज कर सकता? डेफिनेटली कर सकता हूँ, राइट? इफ यू आर यूजिंग वर्चुअल एड्रेस ऑफ पाइनर, देन व्हाट आईडी और पासपोर्ट अपने ही यूज करें भाई, until and unless कि आप सब कुछ अपने रिलेटिव के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आप अपने नाम पे बना रहे हैं तो आप अपना यूज करें। हर चीज जाहिर भाई, हर चीज हर काम करते हुए आपने वीपीएन कनेक्ट रखना है। जब भी आपने अमेजोन का नाम आपके जेन में आए, अमेजोन से रिलेटेड कोई भी चीज आए, वीपीएन आपका कनेक्ट हो, ये प्लीज गलती मत कीजिएगा। और मेरा भी हर वक्त कनेक्ट रहता है, बट अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट देते हैं तो एड्रेस तो यूएस को होगा, वो इशू नहीं है। नहीं भाई हसीब भाई, वो इशू नहीं है। सेम जैसा कि मैंने बताया कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट में अमेरिका में नहीं रह सकते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अमेरिका का वीजा लग सकता है ना, तो आप वहां रह सकते हैं, तो इसलिए कोई इशू नहीं। तलहा को समझ आ गई है, और हसन कह रहे हैं डिटेल्स अपनी देनी है सारी, आईडी कार्ड, ये आप पे डिपेंड करता है, अपनी भी दे सकते हैं अगर आपने किसी की देनी है जो कि आपका रिलेटिव आपकी हेल्प करना चाहता है वो भी। पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए, उसका कोई सलूशन नहीं है भाई। उसमें यह कि पाइनर आपको कहेगा कि आप पासपोर्ट या आपकी आईडी एक्सपायर हो गई है, प्लीज प्रोवाइड द अपडेटेड वन, दैट्स इट, राइट? पाइनर में अगर हम वो एड्रेस करेंगे तो हम कार्ड कैसे रिसीव, कार्ड रिसीव करने की जरूरत नहीं, वो आपको ऑनलाइन एक्सेस देगा डेबिट कार्ड की, जो कि आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। वीपीएन शील्ड इज पेड और फ्री? सर पेड है सर, ये अगर पाइनर ऑलरेडी बना हुआ है तो दूसरे यूएस की एड्रेस तो क्या पाइनर अप्रूव करेगा यूएस की एड्रेस पे अगर अपना पासपोर्ट दें तो? गुड क्वेश्चन मोहम्मद अली, वेल आई थिंक इट शुड डू बेसिकली, क्योंकि आप डिफरेंट अकाउंट से बना रहे हैं, बट लेट्स ट्राई, बिकॉज ऐसा सिनेरियो मैंने कभी देखा नहीं कि दो अकाउंट बने, बट आई विल, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतलब दे विल आस्क फॉर फर्दर डिटेल्स, लेट मी नो कि हाउ यू गेट ऑन अगर आप, बट आई हाईली रिकमेंड कि यूएस एड्रेस से ही बनाएं। एड्रेस इज गिवन ऑस्ट्रेलिया, यार बेसिकली आईफोन एक्स भाई, if address is given of Australia, then we must use VPN. मतलब अगर आपने ये, it doesn't matter आप address Australia, Italy, US का use कर रहे हैं, लेकिन जब आप Amazon को access कर रहे हैं या किसी और चीज को access कर रहे हैं जो Amazon से related है, वो आपने VPN के through ही करनी है। वो आप किसी भी country जो कि उन country की list में आपको दिखाया है उनमें से कीजिएगा please। जिनका passport नहीं है वो क्या करें? वो passport बनवा लें। अब्दुल्ला भाई, लुकमान, पाइनर के लिए वीपीएन भी यूज करें? हर चीज के लिए वीपीएन भाई। मेरा पाइनर बना हुआ है पाकिस्तानी एड्रेस के साथ, इसका क्या सलूशन? आई डोंट रिकमेंड कि आप पाकिस्तानी एड्रेस के साथ यूज करें, आई हाईली रिकमेंड कि आप यूएस एड्रेस के साथ, अगर आपने इन चीजों को आगे जाके हैसल अवॉइड करनी है। वीपीएन इज सेफ? हाँ, मैं यूज तो कर रहा हूँ वीपीएन लास्ट 5 सालों से, कोई इशू नहीं हुआ, बट कुछ लोग जस्ट वीपीएस भी यूज कर रहे हैं, डिपेंड्स कि आपकी कॉस्ट क्या है, बट इन टर्म्स ऑफ सेफ पर्सपेक्टिव मैं 5 साल से वीपीएन यूज किया है, मुझे कोई इश्यू नहीं आया अभी तक।
लुकमान अजीज ऑस्ट्रेलिया कनाडा स्वीडन जी वो लिस्ट में है, आप यूज कर सकते हैं। आईडी कार्ड से भी वेरिफिकेशन हो जाती है। आई रिकमेंड कि आप पासपोर्ट दें। आईडी कार्ड में ये कुछ आईडी कार्ड कई दफा नहीं एक्सेप्ट होते, इसलिए पासपोर्ट की अच्छी सी स्कैन करके दें। पासपोर्ट की जगह आईडी कार्ड मैं रिकमेंड करूंगा पासपोर्ट ही दें, आईडी कार्ड ना दें आप। कैन वी यूज ZenMate आल्सो? हाँ, ये भी मतलब व्हाटएवर ना, मतलब उसकी ऑल्टरनेटिव है एज लॉन्ग एज के वो आप इट वर्क्स फॉर यू, राइट? लेट्स मूव ऑन गाइस, मे बी आप क्वेश्चन लेते रहते हैं आस्ता-आस्ता, राइट? अच्छा, इसमें जैसे ये कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं कि हम वर्ल्ड फर्स्ट का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। मतलब इसमें आपने ये कि फॉर यू है, फॉर बिजनेस, फॉर ऑनलाइन सेलर्स, आपने यहाँ पे ऑनलाइन सेलर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड फर्स्ट पे बना रहे हैं, अगर आप पाइनियर नहीं यूज कर रहे तो आप वर्ल्ड फर्स्ट पे कहते हैं यार मैं पाइनियर, वर्ल्ड फर्स्ट भी वही है जो कि पाइनियर है, इसी तरह ये भी वही है। अगर आपको अल्लाह ना करे पाइनियर पे कोई इशू आता है तो आप वर्ल्ड फर्स्ट पे चले जाएं, दो ऑप्शन है। वर्ल्ड फर्स्ट भी यही करता है जो पाइनियर करता है और ये भी एक्सेप्ट होता है, तो इसमें दो आपके पास टू ऑप्शन है। कुछ लोग मैं जानता हूँ जिनको जो कि वर्ल्ड फर्स्ट यूज कर रहे हैं और उनको पाइनियर का पता ही नहीं है, तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको बेटर लगे। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा स्टार्ट फ्रॉम बोथ एंड सी के किस में स्मूथ प्रोसेस होता है, एंड देन वी वर्क टुगेदर टू मेक श्योर कि आपका स्मूथ प्रोसेस हो, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू एज वेल, राइट? एंड यूज दिस ओनली इफ यू डू नॉट हैव बैंक अकाउंट इन अमेज़न अप्रूव्ड कंट्री, राइट? सो बेसिकली आई कीप मेंशनिंग दिस कि अगर तो आपको आपका रिलेटिव, ये उन सूरत में ये सब कुछ करने की जरूरत है अगर आपका कोई रिलेटिव बैंक अकाउंट यूज करने नहीं दे रहा जो कि बाहर के कंट्रीज, उन कंट्रीज में नहीं है, राइट? अच्छा, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, या आप बेसिकली मैं आपको जब ये मॉड्यूल वन की स्लाइड दूंगा तो आप ये देखिएगा कि क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वर्ल्ड फर्स्ट के लिए। इसलिए जैसा कि मैंने अभी कहा कि रिमेंबर इफ यू फेस एनी इश्यू इन वर्ल्ड फर्स्ट देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू चेंज एंड पाइनियर इज अनदर ऑप्शन। सो इसमें यह है कि नेवर बी डिसअपॉइंटेड, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो इसमें आपने जैसा कि मैंने अभी कहा था आपको अपनी स्टार्ट करने से प्रेजेंटेशन कि देयर इज नो प्लान बी, राइट? सो आप लोगों ने अपना माइंड सेट ये रखना है कि कोई प्लान भी नहीं है, नो मैटर वट मैंने ये करके रहना है। तो इसमें माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हैसल, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हैसल जरूर आती हैं और उसमें इश्यूज आते हैं। कोई ऐसी दुनिया में चीज नहीं है जो कि बड़ी स्मूथ हो, तो इसमें प्लीज आपने गिव अप नहीं करना और ये नहीं कहना है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, तो इसमें वेरी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि अगर आप इसको गिव अप करेंगे। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने शुरू के डिटरमिनेंट रहना है और इसमें आपने काफी हार्ड वर्क करना है शुरू के कुछ मंथ्स, और फिर आपने यू विल सी द रिजल्ट्स व्हिच आई एक्चुअली डिड शो यू। तो इसमें कुछ ऑप्शंस जैसे अभी हमने डिस्कस किए, अभी मैं आपको नंबर 5 भी बताता हूँ जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसमें जैसे अभी हमने डिस्कस की भाई कि आप अपने फैमिली मेंबर को बेसिकली कहते हैं कि यार कि आप मेरे लिए बेसिकली ये सारा अकाउंट बना दो, सब कुछ आप कर दो, अमेजोन में आप यहाँ पे रहते हो, यूके में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, ये रहते हो बेसिकली, और इसमें जो टैक्स आएगा वो मैं दे दूंगा भाई, और मैं पाकिस्तान में बैठ के वीपीएन, अगर आप यूके का आपका रिलेटिव है तो यूके से बेसिकली आप क्या करेंगे कि यूके का वीपीएन कनेक्ट करके हर टाइम उस अकाउंट से लॉगिन करेंगे और पैसे उसके अकाउंट में आएंगे, वो आपको मंथली देता रहेगा। ये वेरी इजी है अगर कोई आपका भाई या भाई कोई भी बाहर है या कोई भी रिलेटिव है, और ऑब्वियसली जो उसको टैक्स है ये वो है वो ऑब्वियसली उसको आपने डिस्कस करना पड़ेगा। ये तो नंबर वन ऑप्शन है जो कि वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट ऑब्वियसली समटाइम्स लोग नहीं हेल्प करते, जो कि मैंने अभी आपको तरीके बताए कि अगर लोग नहीं हेल्प करेंगे आपको तो आप डिफेंड कर सकते हैं। सेकेंडली ऑप्शन के जो कि इन कंट्रीज में है उनको आप कह सकते हैं यार कि आप LLC मीन्स के लिमिटेड कंपनी आप उन अकाउंट में क्रिएट करें बेसिकली, और वो क्या करेगा जब वो अकाउंट में क्रिएट करेगा तो आपको एज अ पार्टनर ऐड कर लेगा। जब आपको एज अ पार्टनर ऐड करेगा तो आप भी उस कंपनी के ओनर बन जाएंगे, और आपके पास भी उस बैंक अकाउंट जो उस बिजनेस अकाउंट सॉरी बिजनेस कंपनी के नेम के अगेंस्ट बैंक अकाउंट खुला होगा, आपके पास भी हर चीज की एक्सेस होगी क्योंकि आप उसके शेयर होल्डर बन जाएंगे। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप यूके में हैं कहाँ भी हैं, वो सिर्फ उसकी मर्जी है कि वो आपको ओनर बना रहा।
उसमें ये है कि वो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जो ओरिजिनल होता है जिसने रजिस्टर्ड की होती है वो रिजाइन कर जाता है उस कंपनी से और फिर आप उसके ओनर बन जाते हैं। बट ऑब्वियसली उसके बाद आपको क्या जरूरत है, अकाउंटेंट की जरूरत है जो कि फाइलिंग करेगा, उसके लिए काफी ज्यादा अकाउंटेंट मौजूद है इंटरनेट पे। बट इफ यू नीड माय रिकमेंडेशन आई विल गिव यू नेम्स ऑफ फ्यू कंपनीज जो के अकाउंट्स मैनेज करती हैं, ये उस सूरत में अगर तो आपका फ्रेंड हेल्प करने के लिए नहीं राजी। थर्ड के पार्टनरशिप कर सकते हैं आप किसी के साथ जो कि ऑलरेडी सेल कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली अगर आई नो मैनी पीपल के जो लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई उसको स्किल या कोई सोशल मीडिया का स्किल पर्सन मिल जाए या कोई इस तरह के लोग मिल जाए जो कि उसकी मार्केटिंग कर सके प्रोडक्ट्स उसमें वो शेयर कर सकते हैं, उसके साथ आप बेसिकली काम कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड या रिलेटिव को पार्टनर भी बना सकते हैं ताकि वो भी थोड़ा मोटिवेट रहे कि जो भी पैसे आएंगे वो उसके मतलब ऑब्वियसली 50% शेयर होगा क्या, वो ऑब्वियसली उसकी हेल्प यह है कि वो आपका अकाउंट क्रिएट करके दिया उसने, राइट। फोर्थ वन जो कि अभी हमने डिस्कस किया राइट इन डिटेल्स के, जिसमें आपका कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आपने किसी को नहीं बताना, आपने सिर्फ खुद से काम करना है, वही पायनियर और वर्ल्ड फर्स्ट करेंसी एक्सचेंज है जो कि अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया नंबर फोर। तो इसमें आप इसमें आप बेसिकली क्या करेंगे कि पायनियर और वर्ल्ड फर्स्ट का अकाउंट क्रिएट करेंगे जो कि अभी मैंने आपको बताया, और आप बेसिकली इसमें सिर्फ आपको क्या चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए सिर्फ फ्रॉम योर फ्रेंड, दैट्स इट, इन ऑर्डर टू क्रिएट अकाउंट इन Amazon, राइट। और नंबर फाइव बेसिकली है कि ओबीसी 1, 2, 3 जो ऑप्शंस थी उसमें था कि अगर आपका फ्रेंड हेल्प कर दे कंपनी क्रिएट करने में जो कि प्रोफेशनल अकाउंट जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर आपने अपनी LLC पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करनी, ये मेरे जो सगे भाई हैं उन्होंने नंबर फाइव बेसिकली अडॉप्ट किया हुआ है, उन्होंने नंबर फाइव के थ्रू अकाउंट क्रिएट किया हुआ है पाकिस्तान में रहते हुए, सो और उन्होंने सक्सेसफुली चला रहे हूँ, दो अकाउंट चला रहे हूँ नंबर फाइव को यूज करते हुए, राइट। सो लेट मी शो यू कि हाउ यू कैन डू इन नंबर फाइव अगर आप इस रूट में जाना चाहते हैं, मतलब देर आर मेनी रूट्स राइट, सो बट यू डोंट गिव अप बिकॉज देर इफ देर इज अ वे देर इज अ वे। अच्छा, इसमें आपने कैसे सेटअप करनी है भाई, इसमें क्या होता है कि एक कंपनी है लीगल जूम, ये अमेरिका में एक कंपनी है, बेसिकली ये क्या करती है, ये जो लोग अमेरिका में नहीं होते उनके लिए बेसिकली ये सारी जो LLC के लिए हैसल है या जो भी बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है व्हाटएवर बेसिकली उसमें ये इनका नथिंग टू डू विद Amazon राइट, बट ये एक्चुअली LLC रजिस्टर्ड कंपनी जब आपको मिल जाएगी तो आप इसको Amazon के ऊपर रजिस्टर्ड कर सकते हैं एज एन अकाउंट ओपनिंग। सो इसमें आपको सबसे पहले सोचना होगा कि LLC कंपनी का नाम क्या रखना है, इसमें आपको पेपर वर्क किस स्टेट में ओपन करनी है, इसकी फाइलिंग कौन करेगा, अकाउंट कौन देखेगा, ऑब्वियसली अगर कंपनी आपने अमेरिका में खोली है EIN एक होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी आपको चाहिए होता है, इसमें और भी कि हर स्टेट के अलग से लाएं, तो इसको ये काफी हैसल है, तो इसमें आपको कोई हैसल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने इस कंपनी से कॉन्टेक्ट करना है। सो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, आपके लिए LLC क्रिएट करती है, मींस कि ये अभी तक 1 मिलियन कंपनीज लॉन्च कर सके हैं जो कि अमेरिका में नहीं है। सो इनकी फीस क्या है, $79 राइट। सो इसमें से हम देखते हैं कि क्या करनी है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं यार हम लर्निंग विद अर्निंग के नाम से LLC बनाते हैं जो कि हम Amazon पे यूज करेंगे इस कंपनी को। So, हम देख रहे हैं कि लर्निंग विद अर्निंग के नाम से कोई है तो नहीं, होपफुली नहीं होगी, नहीं है तो वो आ गया। एंटर योर स्टेट, किसी भी स्टेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि हर स्टेट के बेसिकली अलग से टैक्सेस होते हैं, तो आप किसी भी स्टेट को सिलेक्ट कर लिया जैसे कि न्यू जर्सी फॉर एग्जाम्पल राइट। सर्च, सो ये देख रहा है कि न्यू जर्सी में तो नहीं है, ग्रेट न्यूज, लर्निंग विद अर्निंग अवेलेबल है राइट। अब इसमें बेसिकली योर फोन नंबर विल हेल्प यू टू सिक्योर, या फोन नंबर ऑप्शनल है बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि वही फोन नंबर यूज करें जो कि आप स्काइप गूगल या मैजिक ऐप जो है इस तरह से वहां से नंबर हासिल कर सकते हैं राइट। सो गेट माई LLC, अब आप इस कंपनी को कह रहे हैं मुझे कंपनी रजिस्टर्ड करके दो
आपको कह रहे हैं कब लॉन्च करनी है, आप कह रहे हैं मुझे अभी चाहिए, सून, राइट, दैट एक्साइटिंग. सो बेसिकली वो कह रहा है कि आपका हम हेल्प कर रहे हैं लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस एंड ऑल दिस, इसमें वो ऑब्वियसली अपनी एक्सपर्टीज बता रहे हैं, तो आप कह रहे हो कंटिन्यू. इज लर्निंग विद एनी योर फर्स्ट LLC, अगर आपने ऑलरेडी अगर LLC नहीं है तो आप कह सकते हैं नहीं, मतलब अगर है तो यस. सो आपने कभी LLC नहीं खरीदी, बट लर्निंग विल डू, मतलब ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन सेल्स, राइट. सो ये इस तरह से बेसिकली आपसे डिटेल्स ले रहा है. क्या आपके कोई एम्प्लॉय होंगे? जी नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं है इस कंपनी का, राइट. सो इसमें वो कह रहा है कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज हम ये ऑफर भी करते हैं कि हम ही आपके लिए सारी फाइलिंग करेंगे, आपको कोई हैसल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी की डिटेल मेल कर दी जाएंगी, राइट. सो इसमें वो कह रहा है कि आपको क्या क्या डिटेल चाहिए, मतलब वो बेसिकली आप सेलिंग कर रहा है, मतलब आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या डिटेल्स ले सकते हैं जो कि आपको डाउन द लाइन जरूरत होगी. अच्छा, इसमें बेसिकली ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, ये यूजली लोग $99 से अपनी LLC क्रिएट कर लेते हैं, मतलब अपने कंपनी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं. और दूसरा EIN, जो कि आपको मैंने बताया था कि EIN क्या होता है, कि आपको जैसे पाकिस्तान में होता है ना NTN नंबर, इसी तरह जब भी आप अमेरिका में या कहीं भी कंपनी क्रिएट करते हैं, इसी तरह आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है, तो EIN इज रिक्वायर्ड. तो अब वो कह रहे हैं यार कि आपको इसकी भी हैसल लेने की जरूरत नहीं है, आपका हम EIN भी क्रिएट कर देंगे, जो कि $159 का होता है, और विदाउट इट यू कांट फाइल टैक्सेस एंड ओपन बैंक अकाउंट. इसमें बेसिकली जब आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे पाकिस्तान में बैठे हुए, अमेरिका में बैंक अकाउंट, ये भी बेसिकली इज वेरी सरप्राइजिंग, जो कि आई हैव वेरी लाइव एग्जाम्पल्स, वन ऑफ माई ब्रदर इज डूइंग एंड ही हैज क्रिएटेड US बैंक अकाउंट सिटिंग इन पाकिस्तान. तो इसमें आप ये भी ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं खुद से EIN लूं तो आप खुद से EIN भी क्रिएट कर सकते हैं, उसका भी मैं आगे तरीका बताया कि आप अगर इसको नहीं पे करना चाहते, राइट. सो इसमें बेसिकली आप आगे बढ़ते जाएं एंड देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, राइट. सो नो थैंक्स, डोंट नीड इट, नो थैंक्स फॉर नाउ, बट अगर बाद में आपको जरूरत हो तो आप कर सकते हैं. सो इसी तरह वो आपको कह सकता है यार कि आपकी ये चीजें इंक्लूड थी, ये आपको चाहिए $79, ये कह रहा 30 बिजनेस डेज लगेंगे, नो थैंक्स, ये आप सेलिंग है सारी, राइट. सो आपको और कुछ नहीं चाहिए इसमें से. डेटा बैंक अकाउंट, वो कह रहा है बैंक अकाउंट भी हम आपके लिए ओपन कर सकते हैं भाई, बैंक ऑफ अमेरिका, लेकिन इनको कहने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आपने हैसल नहीं लेनी तो आप कह भी सकते हैं. वैसे मैं आपको तरीका भी बताता हूँ कि आप बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान. तो बेसिकली ये तो ऑब्वियसली उसने आप सेलिंग की है, आप इसको एडिट करके रिमूव कर सकते हैं और इस तरह से बेसिकली आप अपनी कंपनी को जनरेट कर सकते हैं. 413 इट्स बेसिकली, अगर आप इनको सब कुछ कहते हैं A to Z करो, इसलिए अब आपको ये कि आप अप्लाई करेंगे तो वो चेकआउट. इस तरह बेसिकली आपकी अपनी LLC पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिका की कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी और आप इजिली अमेजोन के ऊपर हैप्पीली यूज कर सकेंगे. एज आई सेड, my brother is doing this from the last 5-6 years and maybe more, and this is the approach he always do and he has created many companies like this, right. abhi main questions aapke read karta hu thodi der tak. acha, jab aapki LLC setup ho gayi na, LLC jab setup ho to aap bank account bhi open kar sakte hain. अच्छा, बैंक अकाउंट जो है ये मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे HSBC है, जो USA में HSBC अकाउंट है वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट करता है, आपको फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत भी नहीं है, एज लॉन्ग एज यू मीट ऑल देयर डिटेल्स, विच इज लाइक EIN नंबर जो कि अभी आपने जनरेट किया उनके थ्रू, LLC डिटेल्स एंड ऑल दोस. सो इसमें से आपको क्या चाहिए? चॉइस चेकिंग बेसिकली दिस इज आइडियल फॉर यू. आपको एडवांस चेकिंग, प्रीमियम चेकिंग कोई जरूरत नहीं है, और चॉइस चेकिंग में आपको फिजिकली अपीयरेंस की भी जरूरत नहीं होती, तो आपने यहाँ से अप्लाई करके अकाउंट बेसिकली अपना बनाना है और आपने वही चीजें देनी है जो कि आपने अपनी LLC की डिटेल्स दी थी अभी, जहाँ से LLC क्रिएट की थी. इसमें से बैंक ऑफ अमेरिका भी है, वो भी बेसिकली ऑनलाइन एक्सेप्ट करता है,
जो मेरे भाई हैं उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट ओपन किया हुआ है, पाकिस्तान में रहते हुए। सो मैं अपनी एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज आई वाज इन यूके, सो मैंने वहां से खुद से क्रिएट कर लिया था, बट बेसिकली इस तरह से चीजें क्रिएट कर सकते हैं, आप साइन अप कर सकते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। इसी तरह सिटी बैंक है, ये कुछ लिंक है, यहाँ से भी बेसिकली अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं यूएसए के अंदर। तो इसमें अगेन आप अपनी एलएलसी के अगेंस्ट अकाउंट रजिस्टर किया, और आपको इसमें ये सब तरीके उस सूरत में है जब आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, राइट। यू कीप मेंशनिंग दिस, अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी नहीं कर रहा तो आप बेसिकली इसके थ्रू आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि सेल फोन आपको चाहिए, अमेरिकन नंबर चाहिए ना, जो मैजिक जैक काफी चीप है, तो लोग बेसिकली ये आपको मोबाइल नंबर मैजिक जैक देता है, तो आपके पास सिर्फ इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए। एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल करते हैं मैजिक जैक, और ये बेसिकली मोबाइल ऐप के ऊपर कॉल आती है, और ये $35 है इसकी फीस, और 12 महीने फ्री है, मतलब इट्स अनबिलीवेबल, और काफी अच्छी ये चीज है। ये स्टिल वी आर यूजिंग दिस एट द मोमेंट, और मतलब फॉर नो रीजन वी कांट कंप्लेन, सो इट्स वेरी गुड। So Magic Jack is one of the best service, I would say. 30 days free है, अगर आपने use करना है, आपको नहीं अच्छा लगा तो आप खत्म भी कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर मुझे और दें, सिर्फ मुझे ये कवर करने दें EIN। जैसा कि आपने देखा था कि यार जो कि LLC क्रिएट करते हुए EIN जो नंबर था, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आप चाहते हैं यार कि मैंने नहीं उसको पे करना, मैं खुद से हैसल लेता हूँ, मैं खुद करता हूँ सारा, राइट। सो इसमें स्टेप क्या है कि EIN नंबर जो है वो आप सबसे पहले आपने US मेलिंग एड्रेस लेना है, जैसा कि जो कि आपने ऑलरेडी ले लिया होगा, US मेल 1 से ले सकते हैं या अर्थ में अर्थ क्लास जो अभी आपको बताई थी। इसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, IRS फॉर्म, ये एक वेबसाइट है, ये मैंने आपको मतलब ऑब्वियसली लिंक दिए हुए हैं, जब आप देखिएगा। तो इसमें बेसिकली डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट एवरीथिंग परफेक्ट, बेसिकली ऑल यू नीड इज जस्ट कॉल to get your EIN basically. So आपने क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये फिल कर लेंगे, राइट, तो आपने ये ऑनलाइन फॉर्म है, तो उसके बाद फिल करने के बाद आपने कॉल करनी है IRS को। सो आप गूगल से वॉइस, गूगल वॉइस, स्काइप और कोई भी मतलब जो है कॉल कर सकते हैं, और नंबर इनका ये है, सो +1267 ये नंबर है, और ये 24 hours नहीं है, सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस टाइम में ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक कॉल करें, एंड 1 प्रेस कीजिएगा उसके बाद, और होल्ड जो होगा बिटवीन 15-45 मिनट्स होता है, डोंट रन आउट ऑफ स्काइप क्रेडिट और व्हाटएवर यू आर यूजिंग, एंड व्हेन यू फाइनली गेट टू द एजेंट जो कि आपसे बात करेगा, तो बेसिकली आपने उसको कहना है कि आप फॉरेन नेशनल हैं, आपने EIN के लिए रजिस्टर्ड होना है, वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, वो उसकी कॉल का मकसद, वो जो बंदा है जो भी उठाता है, उसका सिर्फ यही पर्पज है कि वो कहेगा जी आपने फॉर्म फिल कर लिया है, आपका फॉर्म रेफरेंस नंबर मांगेगा, और बेसिकली आपको कहेगा कि अपना EIN लिखो, और उसको आपको लूज करने की, ये आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बन गया है जो कि अमेरिका में आप बेसिकली अपने लिए यूज कर सकते हैं। और नाउ यू ऑब्वियसली यू हैव EIN, और EIN जब आ जाता है तो यू बेसिकली आप इजीली, कोई इशू नहीं है, अमेजोन आपसे, आपको 1000 दफा भी चैलेंज आपको अमेजोन करे, आप उसको आंसर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास EIN नंबर आ गया। और अगर आपने ये हैसल नहीं देनी तो आप वो जूम वाली कंपनी को कह सकते हैं यार मेरे पास पैसे हैं तो मैं आपको लीगल जूम भाई आप मेरे लिए ये EIN जनरेट कर दो, राइट। सो इसमें बेसिकली ये तरीके हैं। अच्छा, बेसिकली इसमें अब बेसिकली क्या है कि जैसा कि हमने कहा था कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स बेसिकली सेल करनी है, तो इसमें वो हम आपको बाद में बताएंगे कि आपने सप्लायर्स या सोर्सेज कैसे रहना है, सबसे पहले तो ये बताना है कि आपने प्रोडक्ट को पिक कैसे करना है। आपको कैसे पता चलेगा यार लाखों करोड़ों की तादाद में जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से बेसिकली मुझे कौन सी सेल करनी चाहिए, तो इसका क्राइटेरिया सबसे पहले ये है कि आपने $10 से कम नहीं करनी, $60 से ज्यादा नहीं करनी। Well, I always recommend 10-30 basically. उसमें ये होता है कि आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोग जब 30 से ऊपर चली जाती है आपका ब्रांड डेवलप नहीं होता, तो आपको ज्यादा से ज्यादा
क्या होता है कि मतलब ट्रस्ट लेवल उसमें कम होता है लोगों का कि इतनी महंगी प्रोडक्ट्स मैं इससे बाय करूं कि ना करूं। सो और आल्सो बेसिकली अगर आप हैवी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपकी सारे पैसे तो शुरू में ही इन्वेंट्री में ही लग जाएंगे, इसलिए ऐसी प्रोडक्ट यूज करें या सेल करें जो कि शुरू में चीप हो, आपको पड़ती हो समथिंग $3-4 की पड़ती हो पर यूनिट और आप उसको 10-12 या 15 की बेच रहे हैं इस तरह से, राइट। और इसमें एक और चीज कि जो प्रोडक्ट आप सेल करें उसका 1 LB से अंडर हो, क्योंकि उसमें यह कि अमेजोन जब चार्ज करता है अपनी रेफरल फी या इस तरह से FBA फीस, वो वेट के लिहाज से करता है, राइट। और कैन बी प्राइवेट लेबल, आई शुड हैव सेड एक्चुअली मस्ट बी प्राइवेट लेबल। सो प्राइवेट लेबल क्या होता है कि बेसिकली आप प्राइवेट लेबल के अपनी जो प्रोडक्ट हो, किसी की जो प्रोडक्ट नजर आ रही होती है आपको अक्सर शॉप्स में, उसके ऊपर कोई लोगो लिखा होता है या कोई भी स्लोगन लिखा होता है। जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नेस्ले, राइट। सो नेस्ले की पानी की बोतल है, अब नेस्ले की पानी की बोतल की तरह कोई और भी बना लेता है तो उसके ऊपर वो अपनी अपना लोगो और अपना नाम या अपनी कंपनी का नाम लिख देता है। इस तरह बेसिकली उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल, और आपकी वो प्रोडक्ट जो है बेसिकली वो आपकी ब्रांड की बन जाती है। तो अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ब्रांड कैसे डेवलप करना है एंड ऑल दोस, बट इसमें यह कि हमने हमेशा वही प्रोडक्ट सेल करनी है कि जो प्राइवेट लेबल हो, मीन्स के उसके ऊपर हम लोग अपनी लोगो लगा सकें। और इसकी रीजन ये है कि कल को हम उसका ब्रांड को सेल भी कर सकते हैं, कल को अगर कोई और आपकी प्रोडक्ट चल जाती है तो आपके नाम से कोई बना नहीं सकता क्योंकि आपका ब्रांड प्रोटेक्टेड होगा। इसी तरह अगर आप किसी दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसने ब्रांड प्रोटेक्ट किया हुआ तो आपको आराम से नीचे अमेजोन से उतार सकता है क्योंकि उसने ब्रांड को प्रोटेक्ट किया हुआ है। और उसके तरीके आपको बताएंगे ब्रांड को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अच्छा, हमेशा अवॉइड करें बुक्स को, मैगजीन्स को, MP3, इन चीजों को अवॉइड कीजिएगा, ये मतलब दे आर नॉट फॉर यू, और इस तरह की चीजें कभी मनी मेकिंग नहीं होती। Let's find actually, let's do a demo of how we should actually find a product, right? So, इसमें काफी ज़्यादा factors हैं. Right. So, basically, so एक कुछ काफी ज़्यादा तरीके हैं, but वन ऑफ द अदर वेज जो कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अमेजोन टॉप सेलर्स में जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल हो रही हैं, राइट। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि ये ऑलरेडी सेल हो रही हैं, अगर ये बंदा एक दिन में $10,00,000 कमा रहा है तो मैं एटलीस्ट $1,000 तो कमा ही लूंगा। तो इस तरह बेसिकली आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाके देख सकते हैं, हमेशा पेरेंट कैटेगरी में देखा कीजिए, और ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट रैंक हो रही हैं, कौन सी सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं। लेट्स टेक ये देखते हैं एंकर की। अब ये जो एंकर की प्रोडक्ट है ये बेसिकली क्या है, आप कैसे देख सकते हैं कि यार ये क्यों सबसे, आप मुझे कैसे पता चला है सबसे ज्यादा सेल हो रही है, इसलिए कि जिसका बेस्ट सेलिंग रैंक जो होता है वो अगर 1,000 से या 2,000 से या 5,000 से नीचे हो, मीन्स कि दे आर मेकिंग मिलियंस मिलियंस, राइट। तो इसलिए उसका आपने बेस्ट सेलिंग रैंक देखना है कि वो क्या है। अब इसका बेस्ट सेलिंग रैंक है 5 मींस कि इज मेकिंग मिलियंस। अब लेट्स से कि आपने फाइंड करना है यार ये बंदा जो है इस तरह का पावर बैंक बेच या जो भी है ये डाटा हब बेच कर कितने पैसे कमा रहा है। तो ये इस चीज को कहते हैं, ये हर प्रोडक्ट की होती है ASIN, यूनिक नंबर। यहां से भी आप नीचे आकर देख सकते हैं इसका ASIN, राइट। ये ASIN इसको कॉपी किया, एक टूल है जंगल स्काउट, इसकी मैं आपको एक्सेस दूंगा, आई हैव लॉगिन एंड पासवर्ड, सो आपको इसको बाय करने की जरूरत नहीं है। सो इसमें आप इसको इंसर्ट करते हैं इसका ASIN इधर, और इसमें देखते हैं यार कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस वक्त कितने पैसे कमा रही है, इसकी प्राइस क्या रखी है और इसका डेली रेवेन्यू क्या है, राइट। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस है $9, इसका रैंक 5 जो कि अभी हमने देखा, और ये दिन के एक दिन में 233 यूनिट सोल्ड करता है, और दिन में एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट $2,327 कमाता है। ये टूल सारा यहाँ से बेसिकली आपको बता देता है, तो आपको ये पोटेंशियल शो करता है कि यार दिस इज अमेजिंग कि ये इस तरह की प्रोडक्ट अगर मैं भी लॉन्च करूँ तो मैं भी बहुत कुछ मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो शेयर ले सकता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली आपने ये नहीं लॉन्च करनी, वो भी हम आपको बताते हैं कि कैसे आपकी लेस कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है क्या है,
लेट सी कि अगर जस्ट टू शो यू पोटेंशियल कि अगर ये इस तरह की लेट सी कि आई ऑलवेज एक्चुअली गो टू सेल फोन थिंग। तो इसमें सेल फोन के अंदर अगर आप देखें कि आईफोन 8 का जो केस है आजकल ये काफी अगर अच्छी क्वालिटी का है आपका तो ये काफी चल सकता है। तो मतलब आप इसको अपने ट्रैकर में डालते हैं आप देखते हैं भाई कि ये कितनी सेल कर रहा है। तो लेट्स सी हियर कैन यू इमेजिन कि ये बंदा दिन के 1946 यूनिट सेल करता है और इसकी दिन की एक प्रोडक्ट की सेल 15548 मींस एक दिन में ये 16 लाख रुपए की सेल करता है सिर्फ एक प्रोडक्ट को सेल करके। ये सब फेक नहीं है, दिस इज रियली रियल। सो जंगल स्काउट एक्चुअली वेरी गुड फॉर शोइंग दीज फिगर्स। सो कैन यू इमेजिन किस तरह की प्रोडक्ट को 15 लाख भी नहीं मतलब मस्ट बी मोर 16-17 लाख रुपए पर डे में ये सेल करता है। सो दिस इज अनबिलीवेबल। सो इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट्स को लेकर ट्रैक कर सकते हैं कि इसका एस्टिमेटेड सेल कितना है। बट एज अ सेट कि इस तरह आपको किसी ये तो आइडिया हो गया होगा कि किधर गया बीएसआर राइट। सो इसने ये नंबर वन है। सो बेसिकली जो नंबर वन आ गया वो क्या बना रहा है 15-16-17 लाख रुपया बना रहा है पर डे में। सो जस्ट इमेजिन पर मंथ में ये कितना कमा रहा होगा अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करें। और दिस इज नॉर्मल डे एक्चुअली क्रिसमस एंड ऑल द सीजन इट बिकम्स डबल ट्रिपल। तो इसमें मतलब इट शोज यू द पोटेंशियल कि इसमें अगर इवन थोड़ी सी हैसल शुरू में अकाउंट क्रिएशन की आप ले लें तो इट्स ऑल रियली एक्चुअली इट्स ऑल देयर। सो इसमें जैसे इस तरह आप मतलब ओबीसी प्रोडक्ट फाइंड इसमें जंगल स्काउट में क्या है कि नीच हंटर दिस इज वेरी गुड। सो बेसिकली नीच हंटर जो है वो आपको बताता है कि इस वक्त आप चाहते हैं यार मैं सेल करना चाहता हूँ मेरा जो पैशन है वो है लेट्स सी सेल फोन में और मैं चाहता हूँ कि मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं इस वक्त सेल हो रही हैं सबसे ज्यादा बेसिकली राइट। सो 10+ so basically I want to show ya aap help dekh sakte hain the low number means few products under this keyword sell well and high numbers ke isme good opportunity for sellers right। so competition jo field hai wo basically kaise calculate hoti hai ki high score jo hota hai ki isme competitive keywords hain isme bahut sari listing hai aur low numbers jab agar ho तो इसका मतलब है कि इसमें कम सेलर्स है लेकिन गुड अपॉर्चुनिटी है आप इसमें सेल कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसकी वो प्रोडक्ट लेंगे जिसमें स्कोर कम होगा। एवरेज प्राइस जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यार इसको 30 से लेकर एटलीस्ट 10 तक हो राइट। और LQS बेसिकली ये क्या होता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी लिस्टिंग मीन्स कि इसके इमेजेस अच्छे हैं या इसकी टाइटल अच्छा है या डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है तो अमेज़न उसको बेसिकली स्कोर देता है। तो अगर उसमें आपकी लो क्वालिटी आती है इसका मतलब है इसमें भी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं लेकिन आप इसको काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं और आप इसकी क्वालिटी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें भी हम देखेंगे और अपॉर्चुनिटी स्कोर के ये बेसिकली क्या होता है कि हायर स्कोर मीन्स कि इसमें आप यानी कि आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है सेलर्स के लिए कि इसमें आप इसमें कंपटीशन कम है और जो लोअर स्कोर है इसमें कि इसकी जो कीवर्ड्स हैं उसकी डिमांड्स हैं मींस कि अगर लोग सर्च कर रहे हैं आईफोन एक्स 4 एबीसी एंड ऑल दोस तो उसकी बेसिकली में भी डिमांड नहीं है। तो इसमें आप बेसिकली कीवर्ड डाल सकते हैं कि मुझे किस तरह की प्रोडक्ट दिखाओ। अगर आप कीवर्ड नहीं डालेंगे तो वो आपको सारी जेनेरिक दिखा देगा पर लेट सर्च फॉर विदाउट कीवर्ड्स फॉर नाउ। हमने ये फिल्टर अप्लाई किया तो इसमें से सारी वो बेसिकली दिखा रहा है कि इस नीच के अगेंस्ट एक बैग है एक फॉर एग्जांपल। तो इसमें बैग के अगेंस्ट ये वाली लिस्टिंग है। तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि इसकी जो अब ये भी वो बेसिकली बता रहा है कि 31 इसने प्राइस रखी हुई है और अमेजोन इसको 6.83 चार्ज करता है और आपके पास 25 आते हैं और एस्टिमेटेड सेल इसकी क्या है 22 सेल होती है पर डे और $703 इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू आता है और एक ही सेलर सेल कर रहा है राइट। और एल के एस
QS means कि इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसमें बेसिकली आपके लिए काफी रूम है। इसी तरह जैसे एक और प्रोडक्ट है वाटर प्रूफ केस, लेट्स ओपन दिस एज वेल। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो सेल है 22,212 और इसका मतलब रेवेन्यू 1,55,261। इसके सिर्फ 4 सेलर हैं और इसका रैंक 29 है, 71। इसकी बेसिकली इट्स बिग अपॉर्चुनिटी आपके इस प्रोडक्ट, सॉरी क्लिक हो गया, इसकी बिग अपॉर्चुनिटी है कि आप इस तरह की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट बेसिकली क्या है कि वाटर प्रूफ केस है सिर्फ और सिर्फ, मतलब जस्ट लुक एट द रिव्यूज के 5,725 रिव्यूज हैं इसके, और इट्स लाइक इसकी प्राइस कितनी कम है, बट सी कि ये बंदा $22,000 की सेल करता है एक दिन में। एंड लुक एट द इमेजेस एंड ऑल दोस, इसमें से आप काफी लर्निंग कर सकते हैं कि आखिर इसने क्या ऐसा किया है। मतलब इसमें इट्स नॉट रियली अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आई वुड से, और ये इवन 29 पे है और एंड शोज द बिग पोटेंशियल एक्चुअली, राइट। सो इसी तरह आप काफी फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं नीच हंटर में, इट्स वेरी गुड टूल, फील फ्री टू प्ले। और इसमें ये है कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इसकी आइकन से देख सकते हैं क्या हेल्प है। और कीवर्ड स्काउट, राइट। सो कीवर्ड स्काउट बेसिकली क्या होता है कि आप कोई कीवर्ड सर्च करें यार कि मैं, मुझे देखना है कि मुझे बताएं आईफोन एक्स का जो केस है उसके अगेंस्ट कितनी सेल हो रही है, यानी अगर मैं इस तरह की प्रोडक्ट सेल करूं, राइट। सो आईफोन एक्स का जो केस है, बेसिकली और भी टूल हैं काफी जो कि मर्चेंट वर्ड्स है इस तरह से, लेकिन मर्चेंट वर्ड्स का गूगल से भी उठाता है, बट ये एग्जैक्टली जो जंगल स्काउट टूल है ये सारा का सारा अमेजोन से सारी कीवर्ड्स और सब कुछ डाटा उठाता है उनकी एपीआई के थ्रू। सो इसमें आईफोन एक्स केस जो लोग सर्च करते हैं, राइट, एक दिन में 1,00,000 लोग सर्च करते हैं इसको। ब्रॉड मैच, जिसको ब्रॉड मैच का नहीं पता, मीन्स कि कुछ लोग ऐसे भी सर्च करते हैं आईफोन एक्स केस फॉर माई फोन, आईफोन एक्स सिर्फ या सिर्फ एक्स केस, तो इसको ब्रॉड मैच कहते हैं जिसमें ये कीवर्ड यूज हुआ हो। जो कैटेगरी है वो सेल फोन है और रिकमेंडेड गिव है। बेसिकली वो क्या कहता है कि अगर आपको बेसिकली इस लटसी के इसका वो आ रहा है, इसका रेवेन्यू यहाँ पे नहीं आ रहा, सो बेसिकली 125 गिव अवे देंगे अगर आप ऑन डेली बेसिस, देन एक्चुअली यू कैन मेक दैट मच मनी, जो कि अभी हमने देखी। बट ऑब्वियसली उसको, ये हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, उसको अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपसे, बट इट जस्ट एक्चुअली शोज यू कि इसमें कितना पोटेंशियल है इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट एंड ऑल दोस एंड हाउ यू कैन रैंक दोस। सो इस तरह से आप अपनी इस टूल के थ्रू भी बेसिकली आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, और आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। सो ऑल यू नीड इज टू जस्ट नीड टू फाइंड एक्चुअली वन बिली वन और टू आई वुड से विनर। आई ओनली हैव वन विनर इन वन अकाउंट, सो अगर आपके दो तीन अकाउंट हैं और उसमें सिर्फ एक एक विनर है तो यू कैन इजिली मेक मिलियन। सो ऑल इट मैटर्स इज जस्ट वन विनर जो कि आपकी एक दिन में 1,000-2,000 यूनिट सेल करे and you easily make millions against those. और इसी तरह अगर आपके 2, 3, 4, 5, 6 winner हो जाएं तो just imagine, जैसा कि हमने अभी देखा, और anchor is very good. Read about anchor, read about actually anchor on Amazon and all those कि कैसे होगा ना। So इस तरह हमने जैसे आपको demo दिया कि आप इस तरह से product find कर सकते हैं, and keep feel free to engage me कि अगर आपने मेरे से कोई suggestion लेनी है कि ये product अच्छी है या इसको करनी चाहिए sale कि नहीं, राइट। सो यही जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट, कुछ लोग अगर नहीं फॉलो कर पाए, मैंने इसको स्लाइड्स में भी ऐड किया कि हम किस तरह से इसको ले सकते हैं, अपनी फाइंड कर सकते हैं BSR को। इसमें मैंने जंगल स्काउट का नहीं कवर किया, बट ऑब्वियसली उसकी आपको लॉगिन एंड पासवर्ड दे देंगे ताकि आप उसको देख सकें। इसी तरह आप बेसिकली फाइंड कर सकते हैं, उसकी रैंकिंग देख सकते हैं। इसमें कुछ वर्डिंग मे बी अमेजोन ने रीनेम कर दी हो, बट इट डज मेक सेंस। और मर्चेंट कीवर्ड्स की एग्जांपल दी हुई है, बट मर्चेंट कीवर्ड एक अनदर वेबसाइट है जिससे आप इसी तरह से ढूंढ सकते हैं कि प्रोडक्ट कौन सी है, राइट। सो इसमें बेसिकली आप ट्राई टू यूज योर, इसमें एक एक्सेल शीट भी अटैच्ड होगी, इसमें यू कैन एक्चुअली मे बी यूज दोज कीवर्ड्स टू मेक श्योर के आप एक एक्सेल बना सकते हैं जिसमें आप कीवर्ड जो भी हमने सर्च किए उसमें आप मैनुअली चेक कर सकते हैं कि इसके रिव्यूज कितने हैं, इसकी ट्रैफिक कितनी आ रही है, ये सब आपको जंगल स्काउट बता रहा है, राइट।
सो इसमें आप एक अपने से शॉर्ट लिस्ट करके प्रोडक्ट्स वैल्यूएट कर सकते हैं, मतलब आपकी फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यार बीएसआर इसका जो है 1000 से नीचे है तो इसका मतलब है गुड अपॉर्चुनिटी है और कंपटीशन इसका लेस है काफी। कीवर्ड जो इसका मेन कीवर्ड है जैसे वाटर बॉटल है या कोई ऐसी चीज है उसकी ट्रैफिक क्या है, जो कि अभी हमने कीवर्ड की ट्रैफिक देखी उसके जो रिव्यूज हैं वो मतलब हजारों की तादाद में रिव्यूज हैं, तो इट्स अनबिलीवेबल। बेसिकली जो रिव्यूज की एवरेज है 100 सेल हो अगर आपकी तो उसमें से 5 रिव्यू आते हैं, तो इट्स इवन लेस देन 5, सो इट्स वेरी वेरी लो। अगर आप किसी प्रोडक्ट के 1000 रिव्यू देखते हैं मीन्स ही इज मेकिंग मिलियन डेफिनेटली। अगर आप किसी प्रोडक्ट के 5000 रिव्यूज देखते हैं तो ही इज बिलियनियर डेफिनेटली, आई प्रॉमिस, सो यू हैव टू बिलीव मी, आई एम श्योर। सो इसमें टाइटल इमेजेस डिस्क्रिप्शन किसने अच्छे नहीं डाले हुए तो आप ये देख सकते हैं कि किसने आपका अपॉर्चुनिटी है रूम है क्या आप उसमें से बेसिकली उसको उस प्रोडक्ट को यूज करके अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे कि कैसे रिव्यूज लेने हैं, कैसे आपने अपनी रैंकिंग ऊपर करनी है और कैसे आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स रखनी है एंड ऑल दोस थिंग्स। Let's start. So basically, आपने क्या किया कि आपने प्रोडक्ट्स को वैल्यूएट कर लिए सैंपल्स जो कि आपके पास आए थे और आपने ये भी चूज कर लिया कि उसमें से जो आपने ओबीसी कोई प्रोडक्ट चूज की होगी उसमें से आपने एक से ज्यादा सप्लायर से सैंपल्स मंगवाने हैं ताकि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हों कि कल को अगर आपकी प्रोडक्ट चल जाती है तो आपने सिर्फ एक सप्लायर से ही नहीं लेते रहना, क्योंकि अगर कल को वो सप्लायर आपको स्टॉप रिस्पोंडिंग करता है तो आप स्टक हो जाएंगे क्योंकि आपका बिजनेस स्टक हो जाएगा और यू कांट रिलाई ऑन वन बेसिकली। सो इस तरह से आपने डिफरेंट सप्लायर से सैंपल मंगवाकर प्रोडक्ट को टेस्ट करना है और टेस्ट करने के बाद आप बेसिकली उस प्रोडक्ट को चूज करेंगे। रिमेंबर बेसिकली कि इट डजंट मीन कि ये आपकी परफेक्ट प्रोडक्ट अगर नहीं है तो डजंट मैटर, इट डजंट मीन कि अगर आप समझते हैं कि इट्स एक्सेप्टेबल लेट्स स्टार्ट इट बिकॉज अदरवाइज आप सारी जिंदगी सैंपल्स ही मंगवाते रहेंगे। तो इसमें यह कि लेट्स बिगिन इट एटलीस्ट इफ यू थिंक दिस इज एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट, अगर बहुत ही कोई मसला है बहुत ही कोई इशू नजर आ गया आपको देन ऑब्वियसली यू कैन थिंक अबाउट गेटिंग अनदर सैंपल फ्रॉम अनदर सप्लायर एंड ऑल दिस राइट। सो एंड ऑल्सो आपने ये मेक श्योर करना है कि इम्पोर्टेंट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट्स बेसिकली को चूज करना है और ऑब्वियसली इसकी ये कि लो कॉस्ट हो, ये नहीं कि आप कोई सप्लायर से कोई ऐसी चीज पिक कर रहे हैं जिसकी जो प्राइस है वो $10 से ऊपर है, नेवर एवर गो फॉर, ऑलवेज पिक फॉर समथिंग जिसकी प्राइस $2 से $5 तक है, सो नेवर गो अबव $5 or $6 इनिशियली इन योर फर्स्ट ऑर्डर, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका सारा जो है कॉस्टिंग इनिशियली सारी आप को इनिशियली इश्यूज आएंगे आपके बजट्स में अगर आपका बहुत ज्यादा बजट नहीं है तो। अच्छा इसके बाद लेट्स मूव ऑन। सो इसमें ओबीसी आपने क्या करना है क्योंकि ओबीसी जैसा कि हमने वहां पहले देखा था कि हमने ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल का ओबीसी लास्ट टाइम हमने काफी डिस्कस किया था डिटेल्स में कि प्राइवेट लेबल क्या होता है। प्राइवेट लेबल्स ये कि आपका जो ब्रांड नेम है वो बेसिकली क्या होगा कि आपका ब्रांड नेम उस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्प्ले करना है आपने। सो आपने फॉर एग्जांपल लेट्स पिक लेट्स सी सम रियल टाइम एग्जांपल्स ऑन amazon.com, लेट्स मेक सम अजम्पशंस कि आप जो है वो पिक किया, अगर किसी ने पिक किया है जी पावर बैंक फॉर एग्जाम्पल, या फॉर एग्जाम्पल ये वाला वॉल चार्जर, अगर किसी ने वॉल चार्जर को पिक किया एज देयर प्रोडक्ट, आपने वॉल चार्जर के ऊपर लेट्स क्लिक ऑन दिस, ओके सो इस वॉल चार्जर के ऊपर आप जैसा कि देख रहे हैं एंकर लिखा हुआ है इस वक्त। अब इस तरह इसी प्रोडक्ट अगर आपने कोई इसी तरह की प्रोडक्ट को चूज किया है, आपने अपना जो ब्रांड नेम चूज किया होगा उसको यहाँ पर या कहीं भी आप बेहतर समझते हैं उस प्रोडक्ट के लिहाज से वो कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, तो बेसिकली आपने इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ब्रांड नेम को पिक करें तो इतना बड़ा भी ब्रांड नेम पिक ना कर लें, ये नहीं कि आप पूरा नाम लिख लें कि जी
जैसे फॉर एग्जाम्पल लर्निंग विद अर्निंग इज वेरी बिग नेम, यू शुड नेवर गो फॉर लर्निंग विद अर्निंग नेम, क्योंकि आपको कल को ये प्रोडक्ट पे अगर डिस्प्ले करना है तो आप लर्निंग विद अर्निंग नहीं कर सकते, बट मे बी यू कैन डिस्प्ले LWE. कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम सिर्फ ब्रांड का सिर्फ लोगो डिस्प्ले करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, और बड़ा नाम और लंबा जो नाम होगा वो हम पैकेजिंग के ऊपर डिस्प्ले करेंगे. ये भी इट्स जस्ट बेस्ड ऑन योर नेचर, बट आई ऑलवेज गो फॉर वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट नेम, 5 to 6 करेक्टर्स लाइक ब्रांड नेम, बट यू कैन, इट्स योर चॉइस बेसिकली. एंड ऑल्सो ये मेक श्योर करना है कि आपको उसकी डोमेन नेम अवेलेबल हो. ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि अगर टाइम मिला आपको और मुझे टाइम मिला इस सेशन में या बाद में, तो उसमें ये होगा कि हम लोग आपको जैसे Shopify का एक Shopify की इंटीग्रेशन Amazon के साथ करके दिखाएंगे, ताकि आप बाद में क्या करेंगे उसी डोमेन पे Amazon की इंटीग्रेशन Shopify के साथ, जो लोगों को Shopify का नहीं पता, इट्स मोर ऑफ लाइक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां से आप बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं और फिर शिप भी कर सकते हैं वाया Amazon. सो अगर Shopify पे ऑर्डर आता है तो आप सिर्फ जस्ट वन क्लिक और Amazon फुलफिल करेगा, क्योंकि Amazon Shopify के साथ लिंक हो चुका होगा. Amazon अपनी API अलाउ करता है Shopify के साथ इंटीग्रेशन के लिए. तो हम ये भी देखेंगे अगर हमें अगले कुछ सेशन में टाइम मिला, तो आप बेसिकली डिफरेंट चैनल्स पे सेल कर रहे होंगे अपनी सेम प्रोडक्ट, बट सिर्फ और सिर्फ Amazon ही इसको फुलफिल कर रहा होगा, क्योंकि Amazon इट्स अ वेयर हाउस बेसिकली जहाँ आपकी सारी प्रोडक्ट्स हैं. सो आप उसके साथ ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस टाइम वेयर हाउस Amazon के वेयर हाउस में पड़ी हैं. सो इट्स बेसिकली अप टू यू हाउ यू यूटिलाइज वन सोर्स. ऑब्वियसली कुड बी Amazon, जो कि इटसेल्फ इज बिग जायंट, बट देयर आर मेनी अदर सोर्सेज एज वेल. सो अगर कोई डोमेन अवेलेबल नहीं है तो बेसिकली यू पिक समथिंग एल्स. What you want is just expand your brand and have web presence, right? Because obviously, लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग buy करने से पहले हमेशा search भी करते हैं कि ये brand क्या, इसकी website है या क्या है, या website के बगैर है. I know many people in Pakistan, actually, one of my friend actually, he has been selling on Amazon from the last 1 year and he never made a website. So इसमें ये नहीं है कि ये it's very important कि compulsory नहीं है. If you do not have budget right now, you don't need to. But it's always good practice or recommended to at least register a domain name. But time mile to aap Shopify pe bhi kaam karna shuru karne se. But don't just divert your focus on just focusing on Shopify, because you have lot of things to do as well when your product goes live. Also make sure कीजिए कि ऐसा नाम जो आपने choose किया कोई Amazon पे already तो नहीं है sell कर रहा है इस नाम पे, क्योंकि otherwise there's no point of spending time. Or step four is basically you also think about, it's not compulsory to have trademark. It's just basically अगर आपको कल को आपकी product जो है, जैसे anchor वाले हैं, उनकी product चल जाती है या आपकी product चल गई है, तो लोग दिन में 500,000 units buy कर रहे हैं, तो इसमें issue ये होगा कि जैसे Amazon में एक functionality क्या है, sell yours. Amazon basically allow other people to sell the same product as well. Amazon कहता है कि अगर आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट है जिसपे एंकर लिखा हुआ है, इस तरह की प्रोडक्ट लोग चाइना से क्लोन करवा लेते हैं वो प्रोडक्ट्स, बिकॉज वो देखते हैं यार इसका बेस्ट सेलिंग रैंक जो है वो तो ऑलरेडी काफी चल रहा है, तो हम इसी तरह की प्रोडक्ट लेके इसके अंडर लिस्ट कर देते हैं. जैसे आप देख रहे हैं इसका इस वक्त एक सेलर है, तो फिर क्या होगा, जो दूसरे लोग आपकी प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे वो यहाँ पे सेल ऑन Amazon करके यहाँ पे लिस्ट कर देंगे. और ये जो एड टू कार्ट बटन है, ये एड टू कार्ट बटन उस प्रोडक्ट को ऐड करेगा जिसकी प्राइस कम होगी. और भी काफी चीजें होती हैं कि बाय बटन को हासिल करने के लिए, बट बेसिकली प्राइस अगर कम है या और चीजें उसकी डिफरेंट है, तो वो आपका ऐड टू कार्ट बटन ले जाएगा आपकी लिस्टिंग का. तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना होगा. ट्रेडमार्क इज बेसिकली ब्रांड रजिस्ट्री, अभी हम आगे बात करते हैं, बट ट्रेडमार्क इज लाइक आपका ब्रांड नेम कोई भी और यूज नहीं कर सकता. मींस कि अगर आपका एंकर ब्रांड नेम है तो आपने इस नाम से रजिस्टर्ड कर लिया एक ब्रांड नेम, और इसको अगर कल को कोई भी यूज करता है तो आप उसको लेटर, लीगल लेटर जो कि ट्रेडमार्क किया वाले ही प्रोवाइड करते हैं, या और भी लेटर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. मेरे पास भी काफी लेटर्स पड़े हैं इस तरह के टेम्पलेट्स जो कि आप उस सेलर को भेज सकते हैं, और वो सेलर बेसिकली अगर नहीं उतारता उस वक्त तो आप Amazon को कंप्लेन करेंगे और Amazon उस सेलर को आपकी प्रोडक्ट से उतार देगा ताकि आपकी सेल को इम्पैक्ट न करे. सो फॉर एग्जांपल अगर आप चूज कर रहे हैं कि लर्निंग अर्निंग, राइट, सो आपने अगर ये ब्रांड नेम चूज किया, आप सर्च कर रहे हैं कि क्या ऐसा कोई ब्रांड नेम एग्जिस्ट तो नहीं करता,
अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता तो वो कहेगा कि भाई नहीं एग्जिस्ट करता, अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको नहीं अलाउ करेगा वो रजिस्टर्ड करने में। तो इस तरह से बेसिकली इट्स अ बिट ऑफ स्लो एट द मोमेंट, बट ये अभी आपको रिसर्च रिजल्ट्स में ये आगे जाके शो करेगा, राइट। सो इस तरह से बेसिकली एज यू कैन सी, राइट। सो इसमें अर्निंग, फोर लर्निंग, इस तरह के सिमिलर रजिस्टर्ड हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, लेट मी रीड फ्यू क्वेश्चंस। सो प्रॉफिट मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए? आई ऑलवेज रिकमेंड ऑलमोस्ट 40% होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना है किसी प्रोडक्ट का। लास्ट टाइम मैंने काफी डिटेल में बताया था कि किस तरह से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं पर प्रोडक्ट। बट ऑब्वियसली अगर आपने अमेजोन का भी देखना है कि अमेजोन किस तरह से आपका वो कैलकुलेट करता है प्रॉफिट मार्जिन, तो देयर इज अ पेज एज वेल व्हिच एक्चुअली यू कैन सी कि अमेजोन अपना एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करता है। सो अमेजोन अपना कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट प्राइस डालते हैं, तो वो बेसिकली आपको बताता है कि आप कितने सेव करेंगे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। मैंने लिंक ये शेयर किया। अमेजोन के अमेजोन को शॉपिफाई के साथ लिंक करना है, शॉपिफाई को अमेजोन के साथ लिंक करना है। बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो और अमेजोन से लिंक हो, क्योंकि वेयर हाउस में अमेजोन के पास पड़ी हुई है, तो अमेजोन बेसिकली वो शिप करेगा। अच्छा, इस तरह से बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो ओबीसी जो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्रोडक्ट को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, लोग उसको गिफ्ट दे सकते हैं आगे नहीं दे सकते, अगर गिफ्ट दे सकते हैं तो वो बॉक्स किस तरह का हो। सो हमेशा थिंक अबाउट कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो कि वो गिफ्ट में भी रिलेटेड हो। लोग अगर गिफ्ट देना चाहें, जो कि नवंबर एंड दिसंबर दीज आर द पीक सीजन, सो अगर आपकी सेल $1,000 पर मंथ होती है अमूमन डिफरेंट मंथ्स में, बट नवंबर दिसंबर में इट बिकम्स लाइक 4-5 times हायर, लाइक 4,000 or 5,000 पे चली जाएगी, बिकॉज इट्स वे टू मच। सो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पैकेजिंग को इस अंदाज में रखें कि लोगों को पसंद आए, और मतलब ऑब्वियसली आप ये भी देखें कि कंपेटिटर्स की कैसी है पैकेजिंग। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं उस ब्रांड के नाम से और फिर पैकेजिंग क्लिक करके, मीन्स एंकर चार्जर पैकेजिंग इस तरह आपके सामने आ सकती है। और मतलब ऑब्वियसली अगर आपके पास डिजाइनर है तो ऑब्वियसली आप डिजाइनर से बनवा सकते हैं प्रोडक्ट का डिजाइन और पैकेजिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो। अगर आप सप्लायर से बात करें, सप्लायर के पास ऑलरेडी पैकेजिंग होती है, तो आप उससे मंगवा कर देख सकते हैं कि अगर आप इसी पैकेजिंग को स्लाइटली मॉडिफाई करके अपना लोगो साथ लगा लें सिर्फ, तो दैट इज आल्सो अनदर वे ऑफ एक्चुअली मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग पैकेजिंग। सो यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ व्हील, राइट। सो अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती, when there are obviously websites like Fiverr, Elance, Odesk, 99 Designs and all those. So it's just basically you choose whatever is convenient for you, but the aim is to have your branding is pretty much visible in the packaging or and also usme make sure karein contact details likhi hui hai aapki, means ke email likhi ho aapki ke customer support kya hai, ki agar isko koi issue hai तो वो बेसिकली आपसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपकी Shopify वेबसाइट रेडी है तो आप Shopify वेबसाइट का URL भी दे सकते हैं उसे, तो उसमें आप ऑब्वियसली डिफरेंट चीजें दे सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स। कुछ लोग थैंक यू कार्ड डालते हैं अंदर जिसमें लिखते हैं कि इफ यू लाइक द प्रोडक्ट सो उसमें आप मुझे रिव्यू दें। सो यू कैन ऑलवेज एड थिंग्स इन इट जो कि आपका सप्लायर आपके लिए एड करेगा, आप उससे पूछ सकते हैं। सो लेट मी रीड। सर, हम प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करें? वो भी आगे आएंगे सेल करने के लिए, वो आगे मॉड्यूल्स हैं जो कि प्रॉपरली फोकस करेंगे कि हम किस तरह से प्रोडक्ट्स, क्या मेथड्स हैं उनको सेल करने के। लेट्स फोकस ऑन करंटली के प्रोडक्ट्स ब्रांडिंग एंड ऑल दैट इन दिस मॉड्यूल।
if you choose any brand name, then how we can check it's already used or not? So trademark ya pe checks kar sakte hain, wohi search karke aap amazon.com pe wohi brand name search karke likh sakte hain, wo kya display hota hai, is tarah se aap dekh sakte hain. Sir, kya supplier new bande ko sample dega? Ji, supplier ka yahi kaam hai ki new bande ko sample de, uska kaam hi hai, sample usi ko diya jata hai jo naya ho. सर, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और ब्रांड रजिस्ट्रेशन एक ही चीज है? रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कितने होते हैं और कितना लगता है? सर, बेसिकली देयर आर टू थिंग्स. ट्रेडमार्क जो होता है वो होता है ओवरऑल, कहीं भी ईबे पे भी कहीं यूज हो रहा है, किसी भी जगह कहीं भी आपका ब्रांड नेम अगर यूज हो तो आप बेसिकली उसको उतार सकते हैं, क्योंकि आपका नेम रजिस्टर करवाया हुआ और आप उसको लीगल लेटर जो कि टेम्पलेट इस तरह के भेज के आप उतरवा सकते हैं. जो ब्रांड रजिस्ट्री होती है वो अमेज़न के अंदर होती है, वो भी अभी आई थिंक वी हैव कवर्ड इन वन ऑफ द स्लाइड्स, सो विल डिस्कस. विल वी शो आवर पैकेजिंग डिजाइन इन आवर लिस्टिंग पिक्चर्स ऑन अमेज़न? जी, कुछ लोग शो करते हैं, कुछ लोग नहीं शो करते. इट डिपेंड्स हाउ गुड इज योर पैकेजिंग, बहुत अच्छी है तो यू शुड. राइट सर, ट्रेडमार्क इज कंपल्सरी और नॉट? नहीं, कंपल्सरी नहीं है, इट्स जस्ट अप टू यू. बट ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस को काफी एक्सपेंड कर रहे हैं और आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है इंशाल्लाह, तो आपको फिर जरूर करना चाहिए. अदरवाइज आप वो इशू आ सकते हैं, लोग आपकी प्रोडक्ट को चोरी कर सकते हैं. अगर आप समझते हैं अभी मेरी प्रोडक्ट इतनी नहीं चल रही है, अभी मेरा बजट नहीं है, इनिशियली नया नया काम है, तो ठहर जाए. मैंने अपना ब्रांड रजिस्टर एक साल बाद किया था, सो इट्स अप टू यू. सर, रिटर्न प्रोडक्ट की पैकेजिंग आई थिंक डैमेजिंग हो जाती है, सो इज इट फुलफिलेबल आफ्टर रिटर्न? ये अमेज़न डिसाइड करता है जब उसके पास वो रिसीव होती है. अगर तो वो वैसे रिटर्न हो तो आप बेसिकली उसको मतलब यू कैन एक्चुअली, इट्स अप टू यू. जब वो रिटर्न आती है या आपकी डैमेज होके आती है, डैमेज जो होती है वो तो डिस्पोज कर देता है अमेज़न, बट रिटर्न में यू कैन ऑलवेज डिसाइड कि जो रिटर्न हो वो भी सेलेबल हो कि आप उसको भी डैमेज करें. सो जब अमेज़न का कंट्रोल पैनल आपको मिलता है उसके अंदर ये भी चॉइस है. ट्रेडमार्क रजिस्टर होने में 8 months लगते हैं? नहीं, वो यूके के लिए लगते हैं. अगर आप amazon.co.uk में सेल कर रहे हैं, amazon.com के लिए जस्ट टेक्स लाइक 3 to 4 months. या इट्स नॉट 8 months, बट यस इट इज अ लेंथी प्रोसेस. तो 3 to 4 months तक लग जाते हैं, बट यूके के लिए इट्स क्वाइट बिग, इट्स क्वाइट लेंथी. सो हाँ जी, सो बेसिकली जब आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ओबीसी आपको यूपीसी चाहिए. जो लोग थोड़े से यहाँ पे एडवांस्ड हैं उनको पता होगा कि क्या कहते हैं यूपीसी, होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. जब भी आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट को ये होता है जिसको कहते हैं यूपीसी, और अमेजोन इसको एज अ यूनिक नंबर जो कि कभी कहीं यूज नहीं हुआ था, उसको ऐड करता है अपने सिस्टम में, और फिर बेसिकली उसी के अगेंस्ट वो लेबल जनरेट करता है जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं. तो जो लेबल जनरेट करता है अमेज़न, वो लेबल आप फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी मैंने प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, अभी आपको ऐड करना दिखाता हूं मैं कि कैसे प्रोडक्ट ऐड करते हैं. जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो फिर आप कहते हैं मुझे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपने सप्लायर से 100 units चाहिए. तो अब मैं अपने सप्लायर को क्या दूं कि जब सप्लायर शिप करे तो अमेज़न को पता चल जाए ये रिसीव हो गया. तो आप बेसिकली उसके अगेंस्ट, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट शिपमेंट क्रिएट करते हैं. तो जब आप शिपमेंट को क्रिएट करते हैं तो उस वक्त अमेज़न आपसे पूछता है कि आपने कितने यूनिट भेजने हैं. तो आप कहते हैं 100 units भेजने हैं. तो फिर आप 100 लिखते हैं तो अमेज़न आपको एक PDF फाइल देता है जिसको कहते हैं लेबल्स, और वो लेबल्स आप अपनी पैकेजिंग जो कि अभी हमने देखा इस पे बाहर लगाते हैं. और वो कौन लगाता है? आपका सप्लायर ही लगाता है. उसको ऑलरेडी पता होता है क्योंकि बहुत सारे लोग उससे ऑर्डर कर रहे होते हैं, उसको पता होता है अमेज़न जो अली बाबा पे हैं, देयर ऑल नो क्या कैसे अमेज़न की लेबलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर आपको कोई इशू है अमेज़न की लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड करने का, देयर आर मेनी मेनी वीडियोज ऑन इंटरनेट, यूट्यूब पे आप देखिए हाउ टू लेबल प्रोडक्ट्स. अगर आपको इशू होता है तो लेट मी नो, आई विल आल्सो पोस्ट सम वीडियोज ऑन द ग्रुप which we have on Facebook, so you know basically labeling कैसे होती है products के ऊपर. और दो services होती हैं, एक होता है कि आप खुद से label करवाएंगे क्या नाम है उसका supplier से, तो उसके कोई charges नहीं है. और अगर आप चाहते हैं कि Amazon ही label करे, यार मैं
मेरा पहला पहला ऑर्डर है, कहीं वो लेबलिंग गलत ना कर दे मेरा सप्लायर, तो अमेजन उसके चार्ज करता है ऑब्वियसली, कुछ सेंट्स करता है पर पर यूनिट। सो इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि आपकी, आपने बेसिकली देखना है कि आपका क्या सप्लायर अंडरस्टैंड कर रहा है आपको, क्या उसने फुली अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर अमेजोन को वहाँ उसकी आपकी प्रोडक्ट्स जब रिसीव होगी चाइना से, अगर लेबलिंग नहीं लगी हुई तो आपकी प्रोडक्ट गुम गई है, क्योंकि अमेजोन को ख्वाब नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट आपने भेजी है। वो उसी सूरत में उसे पता चलेगा जब आप वही पीडीएफ जो अमेजोन ने दी थी उसके अंदर जो लेबल्स थे वो लगे होंगे, तो ही अमेजोन बेसिकली उस प्रोडक्ट को पहचानेगा कि ये आपकी तरफ से है। अदरवाइज देयर इज नो वे फॉर अमेजोन टू आइडेंटिफाई कि ये प्रोडक्ट आपकी तरफ से आई है, राइट? ओके। हर डिजाइन और हर साइज का यूपीसी कोड अलग होगा? जी नहीं, सिर्फ एक टाइप के ही यूपीसी होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जब प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, एंड देन यू विल सी के किस तरह से यूपीसी ऐड करते हैं। आई हैव बंच ऑफ यूपीसी व्हिच आई जस्ट क्विकली ऐड। जी एफ एन एस के यू दो अमेजोन देता है बेसिकली जब आप ऐड करते हैं, बट आपको चाहिए यूपीसी जो कि आपने ऐड करना है। एफ एन एस के यू जो है वो अमेजोन आपको प्रोडक्ट के बाद उसका आइडेंटिफाइड है, इट हैज नथिंग टू डू विद यू टू बाय एनीथिंग। अब हमने उसको उसके लिए बेस्ट कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। उस कीवर्ड्स को ऑब्वियसली फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जो हमारे पास डिफरेंट वे से हम फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो ऑब्वियसली हमने कोई प्रोडक्ट को अगर चूज किया तो हमने इस तरह की एक एक्सेल शीट बना ले ली है यार, हम डिफरेंट कीवर्ड्स, हम क्योंकि अब हम हर वक्त तो पेड नहीं ले सकते ना मार्केटिंग, तो हमने इसको ग्रेजुअली इसके अंदर रेलिवेंट कीवर्ड्स भी डालने हैं ताकि हमारी रैंकिंग में भी आना शुरू हो जाए। इस तरह का टेम्पलेट है कि मर्चेंट वर्ड से ट्रैफिक ले लें, गूगल से ट्रैफिक क्या आ रही है, जंगल स्काउट से क्या ट्रैफिक आ रही है, राइट? सो लेट्स सी लाइक दिस। सो इसमें हम पिक करते हैं, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल चूज किया है वाटर बॉटल, राइट? सो हमने देखना है अमेजोन की जो सर्च बार है इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई चीज टाइप करते हैं कोई चीज टाइप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप टाइप करते जा रहे हैं तो अमेजोन जो सजेशन दे रहा है बेसिकली, ये जो सजेशन हैं ये इस ऑर्डर्स में है जो सबसे ज्यादा सेल, सबसे ज्यादा सर्च हो रही है चीज। वाटर बॉटल कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च है, वाटर बॉटल विद स्ट्रॉ होल्डर विद बाय, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें। सो ये कीवर्ड तो आपने यहां से फौरन पकड़ लिया, राइट? सो वाटर बॉटल इधर लिख लिया और सो ये डिफरेंट कीवर्ड्स आपके पास आते गए। इस तरह की आप एक्सेल फाइल एक बहुत सारी कीवर्ड्स की बना लेंगे, मतलब अगर आपने खाली वाटर विद स्ट्रॉ लिखना है तो आप देखते जा रहे हैं कि ये कीवर्ड्स बनते जा रहे हैं। तो अमेजोन की बेसिकली क्या लॉजिक है कि जो सबसे ऊपर सजेशन में आता है वो सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं, तो आप यहाँ से कीवर्ड आपके लिए फ्री कीवर्ड्स मिलते जा रहे हैं जो कि अमेजोन पे सर्च हो रहे हैं, राइट? तो अगर आपने ओबीसी सेकंड वे जो कि आपके पास एक्सेस है इसकी जंगल स्काउट की, वहां से भी ओबीसी आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं कि कौन सी कीवर्ड्स कितने सर्च हो रहे हैं। इसी तरह आप अगर नंबर्स देखना चाहते हैं उनके तो ये है कीवर्ड स्काउट जो कि आपने एक टूल देखा था, इसमें से भी आप कोई भी सर्च करके देख सकते हैं कि ये कितने सर्च हो रहे हैं। अगर वाटर बॉटल्स है तो आप देख सकते हैं कि कितना है। इंसुलेटेड वाटर बॉटल एक अनदर कीवर्ड है, ये लोग दिन के 68,438, राइट, ये सर्च कर रहे हैं, मींस इट्स सच अ बिग कीवर्ड। सो आपने ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ऑब्वियसली एक कीवर्ड की आपने फाइल में बनाते जाना है, उसमें आप लिखते जा रहे हैं जी ये जंगल स्काउट का जी ये कीवर्ड आ गया इसमें 68। इसी तरह अगर आप सेकंड ले रहे हैं, राइट, इस तरह से आपने सो ये बेसिकली आप इसके इस तरह से बनाते जा रहे हैं। इसी तरह आपने सेकंडली गूगल इज अनदर थिंग, गूगल पे का भी ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी आई थिंक पता होगा कि आप जिस तरह अगर सर्च करते हैं तो वो सबसे पहले बताता है कि ये सजेशंस दे रहा है कि क्या है रेलिवेंट। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं
कि कौन कौन से ज्यादा सर्च हो रहे हैं कीवर्ड, तो आप यहाँ से भी मतलब कीवर्ड निकाल सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपने इसकी वो देखनी है क्या है, तो गूगल कीवर्ड प्लानर होता है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के, उसमें से अगेंस्ट वहां से आप कीवर्ड डिफरेंट निकाल सकते हैं एंड ऑल दिस, यू हैव टू लॉग इन आई थिंक। सो या, सो इसमें कीवर्ड प्लानर है और मर्चेंट कीवर्ड्स अलग से जो कि हमने देखा था, बट दैट इज आल्सो अ पेड सर्विस। सो आपके पास बेसिकली क्या ऑप्शन है कीवर्ड अच्छे निकालने की, यहाँ सर्च करने की जंगल स्काउट की एक्सेस ऑलरेडी आपके पास है। थर्ड, गूगल कीवर्ड प्लानर इज ऑल्सो फ्री सर्विस। So merchant keyword, obviously, if anyone is interested, they can also find keywords there as well, right? So, so इस तरह से basically आप keywords निकालेंगे जो कि आपने अपनी product title में, description में, हर जगह पे basically use करने हैं, right? So इसी तरह जैसे कि हम कोई भी यहाँ पे देख सकते हैं कि amazon.com पे जाएं, type करें जो कि आपने search suggestion में किए कर रहे हैं, वही कीवर्ड आप जंगल स्काउट में डाल लें या मर्चेंट वर्ड्स में। अभी तो आपके पास मर्चेंट सॉरी जंगल स्काउट है, तो आप जंगल स्काउट में जाके उसकी देख सकते हैं कितनी सर्चेज हो रही हैं। तो इस तरह से आप बेसिकली फुल टाइम अपनी कीवर्ड्स बना सकते हैं जो कि अमेजोन पे सर्च हो रहे हैं, और आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग को। इसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको एक टेम्पलेट शो किया, तो आप इसी तरह से शावर मिरर है उस मर्चेंट वर्ड्स पे कितनी है, गूगल ट्रैफिक पे कितनी है इसकी, गूगल कीवर्ड प्लानर से देख सकते हैं आप, इसी तरह जंगल स्काउट से भी देख सकते हैं एज अ थर्ड कॉलम ऐड करके। सो आप एक फुल फ्लेज अपनी कीवर्ड्स की लिस्ट तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है आपकी अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अदरवाइज आप हर वक्त तो नहीं पेड ट्रैफिक हासिल कर सकते, तो इसलिए आपको फ्री ट्रैफिक भी लेनी है कि अमेजोन पे अगर कोई वो कीवर्ड सर्च करता है तो आपने ऊपर कैसे आना है, right? So it's very important finding the best performance keyword for your product, so, and it needs to be relevant, right? Okay, let's move on. So basically aapne product title banana hai na, right? So product title jab banana hai usme aapne kya karna hai, jaise abhi humne ek ye file dekhi na, ye file isme dekhna hai ki sabse jo zyada sabse bada keyword, जो भी सबसे बड़ा कीवर्ड है उसको आपने प्रोडक्ट टाइटल्स में यूज करना है, आपने इसको सॉर्ट कर लेनी है अपनी प्रोडक्ट सॉरी कीवर्ड्स को। अब उनको सॉर्ट करके आपने वो कीवर्ड्स अपने टाइटल्स में यूज करना शुरू कर देना है। सो बेसिकली आपने फॉर एग्जांपल मेन कीवर्ड सबसे पहले, उसके बाद अदर कीवर्ड्स, बेनिफिट्स एंड फीचर, कॉल टू एक्शन, ना तो इस तरह से मतलब लेट्स रिव्यू वन ऑफ द बेस्ट टाइटल हियर। सो इन्होंने ऑब्वियसली अपने ब्रांड नेम से सर्च किया, क्योंकि इनका ब्रांड नेम ही काफी इस वक्त सर्च किया जाता है, बिकॉज़ दे आर सो बिग, राइट? सो इसमें हम जैसे सर्च करते हैं आईफोन 8 केस, सो इसमें आप देखेंगे लोगों ने इसको, अब जैसे अगर मैंने आईफोन 8 केस सर्च किया तो आप देखेंगे लोगों ने इसको सबसे पहले ही कुछ लोगों ने लिखा हुआ है फोन केस, क्योंकि उनकी नजर में फोन केस सबसे बड़ा कीवर्ड है, ये फोन केस लुक्स लाइक सबसे बड़ा कीवर्ड है, सबने फोन केस ही यूज किया हुआ है। सो फोन केस सीम्स लाइक इट्स क्वाइट बिग कीवर्ड। सो अगर हम इसको क्विकली देखते हैं कि फोन केस क्यों बिग है, सो हम यहाँ पे देख रहे हैं जी, दिस इज सच अ बिग कीवर्ड, दैट्स व्हाई हर बंदे ने यूज किया हुआ है। सो 11 लाख लोग, राइट? सो 11 लाख लोग एक दिन में सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को, आईफोन 8 प्लस केस। सो फोन मतलब इस केस इज बेसिकली देयर, सो इट्स फोन केस इज आल्सो देयर बिकॉज़ आईफोन लिखा हुआ है, सो फोन केस इज देयर। सो इस तरह से मतलब यू कैन सी कि हाउ बिग इज दिस कीवर्ड। सो लोगों ने आईफोन 8 केस या आप देख सकते हैं कि अपने कीवर्ड में इसको पहले लिखा हुआ है सबसे पहले। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट टाइटल है उसका मेन कीवर्ड और बाकी कीवर्ड जो हमने ये देखे इसमें, जो हमने इसको प्रायोरिटी करेंगे ना बेसिकली, कि इसमें से जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले, जो उससे छोटा है वो उससे बाद में। इसी तरह बेसिकली हम इस अपनी प्रोडक्ट का टाइटल को ऑप्टिमाइज करेंगे। अब जो ओबीसी आप हर चीज में मतलब आप इस वक्त आपके पास अगर ऑलमोस्ट 100 कीवर्ड्स आ गए हैं, राइट? तो आप 100 कीवर्ड्स तो टाइटल में नहीं लिख सकते, तो आपने फिर क्या करना है कि ये जो ये चीजें आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं इसमें भी आपने लिखते लिखते उन कीवर्ड्स को यूज करते जाना है, ताकि आप मैक्सिमम कीवर्ड्स यूटिलाइज करें। अब इसी तरह अब इसमें तो फुल हो गया, फिर उसके बाद क्या ऑप्शन है आपके पास,
डिस्क्रिप्शन। अब उस डिस्क्रिप्शन में भी आपने मेक श्योर करना है कि आप वही कीवर्ड्स जो कि आपने यहाँ से शॉर्टलिस्ट किए थे उनको यूज करते जाएं, ताकि हर जगह पे आप अपनी लिस्टिंग को कोई कोई भी मौका जाने नहीं दें जहां से आप बेसिकली ट्रैफिक ला सकते हैं विद इन अमेज़न। मतलब यू कैन सी के हाउ इजी फ्रीली यू कैन एक्चुअली ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग बाय यूजिंग द बेस्ट कीवर्ड्स फ्रॉम फ्री टूल्स विच वी हैव, जंगल स्काउट, सर्चिंग इन सर्च बार एंड एज वेल एज गूगल कीवर्ड प्लानर। सो इट्स वेरी easy to maintain your optimized listing. So इस तरह basically जैसे कि अभी हमने देखा, so this is more of a, और one more thing के कुछ categories में Amazon 150 allow करता है, title के कुछ में 200 करता है, तो इसमें आपने note make sure, obviously अगर आप ज्यादा करेंगे तो Amazon आपको allow ही नहीं करेगा add करने में, so you'll find it from there. So इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर हमने keywords निकाले, आपने बेनिफिट्स में कौन से कीवर्ड यूज किए, फीचर्स में कौन से कीवर्ड, इस तरह आप मतलब एक सेंटेंस बना के यूज कर सकते हैं। और एंड में कॉल टू एक्शन, ये मैंने एक जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, आप बेसिकली दे सकते हैं कि अमेज़न आपको वार्निंग देता है अगर आप कीवर्ड सॉरी अगर आप अपनी टाइटल डिस्क्रिप्शन या इस तरह में कोई ऐसी वर्डिंग लिख देते हैं तो वो आपको वार्निंग देता है एक दफा कि इसको करेक्ट कर लें, अगर बार बार करें तो आपको पेनलाइज भी कर सकता है। सो इट्स नॉट यू कैन बेसिकली लूज योर अकाउंट, हाउ सीरियस दैट इज। तो अगर आप ये नहीं है कि अपनी वेबसाइट्स के नाम लिखना शुरू कर दें, अपने मतलब और चीजें लिखना शुरू कर दें जो कि अलाउ नहीं है, सो मस्ट रीड अबाउट दिस इन ऑन दिस लिंक, आई विल शेयर ऑन द ग्रुप एज वेल सो यू नो। ओके राइट, सो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन आपने जो लिखनी है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको हर एस्पेक्ट से कवर करें। सो द बेस्ट डिस्क्रिप्शन और हाईली कन्वर्जन जो कि डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि आपने हेडलाइन से स्टार्ट करना है, मतलब I don't know if they have actually, so like something like this, right? So they have a headline से start किया, उसमें मतलब सब title, headline, कुछ bullet point explain कर रहे हैं अपनी products को, उसके features क्या हैं, benefits क्या हैं, क्यों ये buy करें, और मतलब bullet points हैं, and then क्या उसकी guarantee है, क्या 30 days में आप acceptors कर लेंगे, और and then call to action. I don't like actually this type of description, but let me, because I really inspire. I'm really inspired from Anchor, so I always give their example because they have done everything perfect. So aapko it's a great example. Aapne yahan inse learn karna hai ki what actually they have done, and you just follow best practices which they have used, right? So aap dekhein ki how good, yeah. So ye dekhein, unhone is tarah se bold kiya hua hai, kuch lines likhi hui hain, box ke andar kya hoga, aur प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उनकी वारंटी कितनी है, क्या क्या मतलब, ये हम पाकिस्तान में तो लोग ज्यादा नहीं रीड करते, बट इन यूएस दे जस्ट रीड ईच एंड एवरी लाइन, सो डोंट जस्ट थिंक कि कोई रीड नहीं करने वाला इसको, बट दे डू रीड इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम बिफोर दे स्टार्ट चूजिंग। सर मिनिमम कितने कीवर्ड निकालने हैं, मतलब इसमें बेसिकली यू कैन एड एज मेनी एज यू लाइक, बट डोंट जस्ट गो क्रेजी। सो बट आई सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 100 से 200 कीवर्ड तो मिनिमम निकालें आप। Definitely. Okay. Let's move. Okay. अच्छा, इसमें obviously आपकी सबसे important चीज क्या है product add करते हुए, वो है जी images, क्योंकि obviously जो भी आपकी सबसे पहले आपकी product पे आएगा वो सबसे पहले image देखेगा, और आपने उसको किस तरह से present करना है। This is the obviously best example how Anchor have done their images. इसमें please compromise नहीं करेगा, अगर आपको थोड़ा सा pay करना भी पड़े high quality images का तो must pay for it because this is one time ना। तो इसमें आप देखेंगे कितना अच्छा उन्होंने हर angle से लेकर हर different environment में इसको show किया है, and this is how कि किस तरह से हाथ में लग रहा है, कैसे उसकी batteries हैं, और अगर jeans पे पड़ा है क्या है, अगर आप इसकी dual charging भी कर सकते हैं 20% फास्ट चार्जिंग, मतलब और दे मतलब वो भी बता रहे कितने चार्जेस कर सकता है ये एक फोन को कितनी दफा, और हमेशा जो मेन इमेज है उसको वाइट बैकग्राउंड में रखें। Amazon do not accept any images which are not with white background, main images basically, otherwise दूसरे images आप देख सकते हैं उन्होंने different color के साथ background के साथ रखे हैं, but main image should always be white, और I think is something उसकी कोई limit है 1200 by 1200 size है, you will have to see in the back end when you trying to enter,
सो इस तरह मतलब आप देख सकते हैं कि इमेजेस आप कहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपने सप्लायर से पूछेंगे, क्या आप अपने सप्लायर को कहेंगे कि वो आपको इस तरह के, आप कुछ एग्जांपल्स उसको दे सकते हैं कि आप मुझे प्लीज इस तरह के इमेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंडली आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका में जब अमेजोन पे आ जाएगी तो आप वहां से एक यूनिट आपके पास भी एक्सेस होती है, आप फुलफिल किसी को भी कर सकते हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स जो अमेजोन पे रिसीव हो जाती है, तो आप किसी डिजाइनर या फोटोग्राफर को फ्री भेज कर उससे बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, बेचकर पिक्चर्स उतरवा सकते हैं। थर्डली अगर आप बहुत ही अच्छे हैं तो आप फोटोशॉप पे तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेकर जो कि सप्लायर के पास होगी उनके अपने लोगों के साथ, तो आप यहाँ से मॉडिफाई करके अपना लोगो लगा सकते हैं। सो बेसिकली आप वो प्रोडक्ट जो सप्लायर इमेजेस देगा वो यूज करके अपने लोगों के साथ लगा लिया, तो इस तरह बेसिकली क्या होगा कि आपको पैसे स्पेंड नहीं करने के पड़ेंगे कहीं भी। बट ऑब्वियसली कुछ चीजें होंगी जैसे पैकेजिंग की, अगर आपने पिक्चर्स लगानी है, बट एज यू सी दे डोंट हैव पैकेजिंग पिक्चर हियर, तो मतलब इट्स देयर थ्री फोर वेज टू गेट पिक्चर्स, बट गोल इज टू हैव pictures like this very crystal clear super and highly customized and convertible basically. So log aapki agar product page pe aate hain so they just don't go away. So iske agar 13,000 products hain matlab they must be selling with billions, right? So let's see, their best selling rank is 46, so 46 means like unbelievable. So let's just check that quickly while we're talking ki inki kitni sale ho rahi hai, right? So you can always check from product tracker ke ek product kitni sale kar rahi hai per day. So humne uska ASN liya aur usko yahan pe humne product tracker mein jungle scout ke dala, and then we can see ke they are making 144 units and almost 3,000-2,500 per day. Oh no, this is not the one actually. Niche hai ye, I think. Yeah. So ye humne bhi product add ki. So, $27,000 पर डे ये बना रहे हैं इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट सेल करते हैं, 901 यूनिट पर डे ये सेल करते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि हाउ बिग इज द पोटेंशियल, राइट? सो आई डोंट वांट टू कीप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, बट आपने क्या देखा कि उन्होंने हर चीज अपनी परफेक्ट रखी, और मतलब यू कैन सी इमेजेस इन डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दैट एज वेल, सो इसमें इट जस्ट वर्थ इट बेसिकली, जो कि अभी हमने रियल टाइम एग्जाम्पल्स देखी, राइट? ओके, सो लेट्स ऐड आवर फर्स्ट प्रोडक्ट ना, मतलब आपको दिखाते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से ऐड होती है, क्या 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 साइंस है। बट बिफोर आई ऐड, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क, लाइक लेट्स आस्क सी सम क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन खुद राइट करें और कंटेंट राइटर से करवाएं तो बेहतर है, अगर आप ऑलरेडी उस टाइप की प्रोडक्ट नजर आ रही है आपको तो वहां से लेकर आप खुद से भी मॉडिफाई कम्प्लीटली करें, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करें, इट शुडन लुक कि आपने कॉपी पेस्ट किया, सो इसको कम्प्लीटली मॉडिफाई करना चाहिए। एक सैंपल पाकिस्तान मंगवा कर यहीं किसी अच्छे, हाँ सॉरी आई शुड हैव सेड दिस नमान, वेरी गुड पॉइंट, यहाँ मंगवा कर आप यहाँ से भी ले सकते हैं पाकिस्तान, डेफिनेटली दिस इज वेरी गुड। ये मैं मेंशन करता हूँ अपनी डिफरेंट ट्रेनिंग्स में, बट टुडे आई डिडंट मैनेज टू से दिस। अमेज़न से पिक कॉपी करके फोटोशॉप कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, आई डिड इट फ्यू टाइम्स बट आई डोंट रिकमेंड दिस, बट आई डिड दिस, राइट? सो सर कैन वी गेट द मर्चेंट वर्ड्स अकाउंट फ्रॉम यू? सॉरी मेरे पास नहीं है मर्चेंट वर्ड्स का, आई डोंट यूज मर्चेंट वर्ड्स। जंगल स्काउट्स पे तो कीवर्ड की इन्फो आ रही है, यहाँ पे इन्वेंट्री में आके ऐड अ प्रोडक्ट करते हैं, देन बेसिकली इट जस्ट लोड्स लाइक दिस पेज। अब इस पेज में आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि क्योंकि आपकी ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, तो यू आर एनी इस तरह की प्रोडक्ट आप कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसा ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हमारे नया ब्रांड है जो हमने चूज किया है, इसलिए क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो इस तरह से आप न्यू प्रोडक्ट को जब लिस्ट करेंगे तो आपके सामने वो आएगा कि कैटेगरीज किस कैटेगरी में डालना। आप कह रहे हैं जी मैंने चूज किया है जी आईफोन 6 केस या 7 केस या जो भी, तो आपने मतलब यहाँ से उसकी रेलिवेंट कैटेगरी सेलेक्ट की और इस तरह से
या केबल्स, लेट्स से आपने आप आईफोन केबल सेलेक्ट किए, तो इस तरह से ये आपको बेसिकली ओपन कर देता है। अब आपसे पूछता है टाइटल क्या है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट टाइटल डालेंगे। प्रोडक्ट टाइटल मींस जो के ये वाला, ये प्रोडक्ट टाइटल यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि हम डालते हैं एज अ क्विक वन। सो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट टाइटल डाला, मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड वो होगा जो कि आपने, आप हैं बेसिकली, सो आपके ब्रांड का नाम आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं। अगर कोई और कर रहा है तो आपने फाइंड आउट करना है कौन मैन्युफैक्चर है, बट इट हाईली लाइकली कि आप ही हैं। ब्रांड, ब्रांड नेम जो कि आपने चूज किया होगा, हम एंकर की एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा, ये चीज है वो प्रोडक्ट आईडी जो कि मैं आपको बता रहा था। सो ये बेसिकली यूपीसी, ये यूपीसी क्या कोड होता है, 12 नंबर का, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो इस तरह के ये नंबर होते हैं, तो आपने इस तरह के नंबर को बेसिकली लेकर यहाँ पे 12 डिजिट्स को डालना है। यूजली आप ये ले सकते हैं GS1 से, जैसे कि ये कह रहे हैं GS1 वेबसाइट है, वहाँ आप बेसिकली रजिस्टर्ड करते हैं और वहाँ से बेसिकली इट्स वेरी चीप, वेरी वेरी चीप, और वहाँ से आप आपको हर जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करें वहाँ से आपको यूपीसी कोड देता है जो कि यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद जैसे ये वेरिएशंस हैं, अगर आप समझते हैं आपके पास इसके और भी कलर हैं, तो देन यू कैन ऑलवेज ऐड मोर कलर्स, और हर कलर के अगेंस्ट एक वेरिएशन होगा। जैसे ये वाइट है, ब्लैक है, तो आप देख रहे हैं कि व्हाइट ब्लैक जब करेंगे तो यह उसका भी यूपीसी ऐड करना पड़ेगा, और उसकी भी आपको यहाँ प्राइस और कंडीशन सेलेक्ट करनी, आपकी तो ऑब्वियसली न्यू कंडीशन है डेफिनेटली, तो आपने बेसिकली इसको यहाँ पे ऐड किया और क्वांटिटी ऑब्वियसली लीव अ ब्लैंक बिकॉज आप इसको कन्वर्टेड टू एफबीए करेंगे। ऑफर, ये चीज, बिकॉज आप कह रहे हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट आई वॉन्ट Amazon टू शिप, सो यहाँ पे आप बेसिकली कन्वर्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट को फुलफिल्ड बाय Amazon। अगर आप पहली वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसका मतलब है आप शिप करेंगे, तो आप तो शिप नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप तो पाकिस्तान है, इसलिए आप ये जब करेंगे तो फिर Amazon इसकी क्वांटिटी जीरो रखेगा, और तब तक जीरो रखेगा जब तक आपकी सप्लाई की प्रोडक्ट Amazon को रिसीव नहीं हो जाती। तो इसलिए बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें। और ऑफर्स, ऑब्वियसली ये सॉरी इमेजेस, इमेजेस ये वाले इमेजेस जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ऐड किए हुए हैं सब, सॉरी यहाँ पे ऐड किए हुए हैं सारे। सो मेक श्योर यू ट्राई टू यूटिलाइज एज मच एज वी कैन। जैसे कि आप देख रहे हैं 100 पिक्सल इज द मिनिमम, द लॉन्गेस्ट साइड एंड ऑल दिस, ये इसकी रिक्वायरमेंट है जो कि आपने इस तरह से फुलफिल करनी है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कहाँ गए बुलेट पॉइंट्स और वो कहाँ गए डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स, तो एडवांस व्यू में वो नजर आता है जैसे ये है, तो आप इसको करते हैं तो ये है। तो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन आएगी जो कि आप देख रहे हैं जी, कि ये है जो डिस्क्रिप्शन, ये वाली डिस्क्रिप्शन सारी यहाँ पे आएगी। इसमें आप HTML भी इंसर्ट कर सकते हैं, BR टैग जो होते हैं ना, मतलब जैसे अगर आपने ये कर दी तो इसमें आपने इसको ब्रेक देना है तो यहाँ BR लिखेंगे, इसको बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे इसको बोल्ड करेंगे और यहाँ पे ऑब्वियसली BR करेंगे कि नीचे आए। इसी तरह आपने इसको बोल्ड करना है तो आप इसको बोल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे भी आप मीन्स की ये लाइंस बनती जाएंगी इस, जैसे कि ये डिस्प्ले हो रहा है, सो बोल्ड। और ये अगर आप नहीं, आपको HTML आती, देयर मेनी साइट्स जहाँ पे आप ऑनलाइन देखकर इस तरह की डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। लेट मी नो इफ यू डोंट नो BR और B टैग्स एंड आई विल हेल्प यू, इट्स वेरी वेरी इजी। और बेसिकली हम कह रहे हैं जी के कोई भी डिस्क्लेमर के इसमें अगर 18+ यूज हो एंड ऑल दैट थिंग, राइट। और ये वेरिएशन, एक और चीज की अगर आपने वेरिएशन नहीं ऐड करने ना, तो इसमें मतलब आपने एक और चीज की अगर वेरिएशन ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिर यूपीसी नहीं आएगी, वो यहीं पे आएगी। सो जैसे कि ये है, सो इस तरह उसके चार्ट, बट आई डोंट रिकमेंड यू गो विद डिफरेंट कलर्स। हमेशा अभी सिर्फ एक प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करें, अदरवाइज दो कलर स्टार्ट करेंगे ज्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर करनी पड़ेगी, ज्यादा मैनेजमेंट चाहिए, तो इस तरह की प्रोडक्ट चूज करें। और कीवर्ड्स जो कि अभी हमने चूज किए थे ये वाले इस तरह के, सॉरी वो जो हमने एक्सेल एक बनाई थी, तो इसमें आप इस तरह के सारे सर्च टर्म्स ये और भी डाल सकते हैं। इसमें आई थिंक 150 या 120-130 एक्सेप्टेबल हैं जो कि आप बेसिकली यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ब्लूटूथ स्पीकर, और आप कह रहे हैं मतलब पावर बैंक केबल, मतलब वही जो आपने फाइंड किए होंगे बेसिकली, जो कि आपने शॉर्टलिस्ट किए होंगे।
तो वो आप यहाँ ऐड करते जाएंगे। और इसी तरह आप टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च टर्म्स भी आप बेसिकली यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे भी कीवर्ड्स डाल सकते हैं। सर्च टर्म्स आर मेनली लाइक बिग कीवर्ड्स यूजली दे ऐड, सो वाटर बॉटल फॉर किड्स, वाटर बॉटल फॉर मेन, समथिंग लाइक दिस, और या स्पोर्ट्स वाटर बॉटल, मतलब जो भी आपने वो निकाले होंगे। सो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं अपने, सो ये आपकी बेसिकली, आप जब ऐड कर लेंगे सारी चीजें। अभी ऑब्वियसली मैंने यूपीसी नहीं डाला ये, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है यूपीसी तो आपने डाला नहीं, तो इसलिए वो मुझे अभी सेव एंड फिनिश का बटन नहीं दे रहा। तो जब सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, और उस वक्त जब आप बेसिकली अपनी प्रोडक्ट का प्रीव्यू देख सकेंगे इस तरह से, लेकिन यहाँ पे आ रहा होगा सॉरी ऐड टू कार्ट की जगह पे आ रहा होगा नॉट अवेलेबल, क्योंकि प्रोडक्ट की इन्वेंट्री जीरो है इसलिए वो नॉट अवेलेबल है। तो इस तरह से बेसिकली इनिशियली आपको प्रोडक्ट शो होगी, आप फील फ्री टू एडिट मॉडिफाई एंड ऑल दिस, इस तरह से आप प्ले अराउंड टू मेक श्योर यू आर हैप्पी एंड कीप ट्वीकिंग। बेसिकली ये नहीं कि आपने एक दफा ऐड कर ली तो ये नहीं है, मतलब इफ यू थिंक मुझे दूसरे कीवर्ड ऐड करने हैं, कुछ रिमूव करने हैं, तो आप मतलब साइड बाय साइड बेसिकली इसको कर सकते हैं। अब बेसिकली आपने देखा कि इन्वेंट्री ऑर्डर, बेसिकली आपने इसी तरह जब आपने ऑर्डर की तो आपने जनरेट की एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट सेंड इन्वेंट्री। सेंड इन्वेंट्री के बाद अमेजोन बेसिकली आपको पूछेगा कितनी इन्वेंट्री भेजनी है, आप सिलेक्ट करेंगे 50 फॉर एग्जांपल। और मतलब इस तरह से आपने ये भी सोचना है कि उस तरह की इन्वेंट्री मतलब ऑर्डर करें इस तरह से कि कि आपने कुछ फ्री भी तो देने हैं इनिशियली रिव्यूज लेने के लिए, गिव अवेज देने के लिए। सो इस तरह माइंड में जरूर रखिएगा, ये मत करें कि आप 50 ऑर्डर कर लें फॉर एग्जाम्पल तो 10 जो है गिव अवेज दे दें, 40 रह गए, रैंकिंग ऊपर आई तो प्रोडक्ट की खत्म हो गई, तो आपकी सारी रैंकिंग का फायदा क्या। तो इसलिए आप अगर 50 दे रहे हैं तो कुछ पीछे ऑर्डर एक और करके रखें ताकि सप्लायर इज रेडी, आप उसको मतलब बूम अप करते रहें, राइट। सो इस तरह से मतलब आप ये कुछ यूजफुल पिक्चर्स हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह का बार कोड होता है जो कि अमेजोन आपको देता है जब आप प्रोडक्ट के लिए सेंड इन्वेंट्री करते हैं, और ये इस तरह का बार कोड जब आपके सप्लायर के पास जाएगा वो आपकी पैकेजिंग के ऊपर बेसिकली डिस्प्ले करेगा। और इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि अब हमने लिस्टिंग को कैसे जंप अप करना है, बेसिकली अज्यूम कि अब हमने रैंकिंग और इस पे फोकस करना है, राइट। सो बेसिकली अब हमने क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली साथ साथ हमने ब्रांड को भी डेवलप करते जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक प्रेस रिलीज करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट रिलीज हो गई एंड ऑल दिस। और ये प्रेस रिलीज आप खुद से भी लिख सकते हैं या आप किसी फाइवर से, किसी भी फ्रीलांसर से लिखवा सकते हैं बेसिकली। इसी तरह डिफरेंट रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, अमेज़न प्रेस रिलीज, फोकस अनाउंसिंग कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन, अनाउंसमेंट ऑफ कस्टमर सॉर्ट ऑफ फोकस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कि कस्टमर ने अगर कोई अच्छा रिव्यू दिया है तो उसके बारे में आप फीडबैक दे सकते हैं, मीन्स प्रेस रिलीज अनाउंस कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपकी प्रोडक्ट $35 से ऊपर है, क्योंकि अमेजोन प्रोवाइड्स करता है कि जिसकी प्रोडक्ट $35 से ऊपर है उसको फ्री शिपिंग होती है, तो दैट मींस इस तरह की भी आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 150 प्लस आइडियाज़ हैं जो कि आई विल शेयर विद यू गाइस कि किस तरह से आप लोग बेसिकली उस प्रेस रिलीज आइडियाज को लेकर एवरी डे यू कैन फोकस और कीप राइटिंग दोज प्रेस रिलीजेस। सो remind me if I do not share in the group, but I'm sure ki I'll share this in the group so you guys can take the benefit ki how you can write press releases and how much ideas you will have out of 150 plus ideas which I'll give you. Okay, so also basically because obviously aapne apna brand name soch liya hoga is time tak, so make sure ki aap apni Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Vimeo, Google Plus और भी सारे सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल क्रिएट होनी चाहिए।
और ऑब्वियसली आपने आप ब्रांड वेबसाइट भी बनानी है, जिन लोगों को ये नहीं पता शॉपिफाई इज वेरी वेरी इजी टू सेट अप अ ब्रांड वेबसाइट, सो वहाँ काफी ज्यादा फ्री टेम्पलेट्स है जिसको आप लेकर बेसिकली अमेजोन से बाद में लिंक भी कर सकते हैं. सो शॉपिफाई इज अ प्लेटफॉर्म विच कैन इजिली बी लिंक्ड विद अमेजोन, और जब आपको कोई ऑर्डर बाद में शॉपिफाई पे आएगा क्योंकि आपका ब्रांड डेवलप हो चुका होगा, लोग ब्रांड रिलेटेड भी सर्च कर रहे होंगे, आपकी वेबसाइट भी रैंक होना शुरू हो जाएगी, देन इफ एनी ऑर्डर कम्स ऑन शॉपिफाई और ऑन योर ब्रांड वेबसाइट देन यू विल फुलफिल वाया अमेजोन एंड दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली. उसमें अमेजोन आपको एपीआई एक्सेस देता है जो कि आप शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो इस तरह आप बेसिकली आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हो जाएंगे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, एंड देन यू शुड देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वेबसाइट एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली अमेज़न तो अपनी कमीशन रेफरल फी भी चार्ज करता है, बट इफ एनी ऑर्डर कम्स ऑन योर वेबसाइट अमेज़न वोंट चार्ज, अमेज़न विल जस्ट चार्ज व्हाट यू कॉल एज एफपीए शिप पिक एंड पैक फैसिलिटी बेसिकली जो दे ऑफर. So, इस तरह यू कैन ऑल्सो सेव मनी, एंड लाइक आई स्टिल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एंकर, इजी एक, और इस तरह की जो बड़े बड़े ब्रांड्स है रैफ पावर, search about them and look at their website, how best they have actually done. So that is also very, very good technique to start focusing on your own brand website while you are doing Amazon. Okay. अच्छा, इसमें obviously जो आपकी सबसे बड़ी बात है कि यार मेरी जो product live हो गई है उसमें मैं traffic तो भेज रहा हूँ, उसमें traffic तो आपकी दिन में ऑलमोस्ट 200-300 लोग तो दिन में आप, क्योंकि अमेजोन आपको ये भी दिखाता है कि आपने आपकी प्रोडक्ट में दिन में कितने लोगों ने व्यू किया और उसकी व्यू की बेसिस पे आपकी कन्वर्जन रेट्स क्या रहे. तो बेसिक आप अगर देख रहे हैं कि यार दिन में तो मेरे पास 200 लोग आ रहे हैं, लेकिन उन 200 लोगों में से सिर्फ ऑलमोस्ट 5 लोग बाय कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि मेरी जो कन्वर्जन रेट है इज वेरी वेरी लो. सो इस तरह की ट्रैफिक का कोई फायदा नहीं है. So, उसकी क्या वजह हो सकती है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज कि आपके पास रिव्यूज नहीं है और बेटर रिव्यूज नहीं है, और जो रिव्यूज हैं वो 5-star नहीं है. सो इस तरह बेसिकली आपने मेक श्योर करना है कि आप कंटिन्यू टू फोकस ऑन रिव्यूज व्हेन यू स्टार्ट हैविंग योर प्रोडक्ट लाइव. सो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम किस तरह से कस्टमर को एंगेज करेंगे, क्या टेम्पलेट्स भेजेंगे उनको, किस तरह हम उनको अवॉइड करेंगे 1-star रिव्यूज देने से, बिकॉज अगर वो 1-star रिव्यू देते हैं देन ऑब्वियसली इट्स एन इशू के 1-star मीन्स के लोग आपकी प्रोडक्ट पे आएंगे और जब वो आपका बैड फीडबैक देखेंगे तो वो कभी बाय नहीं करेंगे. इसलिए बेसिकली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट लाइक इंफॉर्मेटिव ईमेल्स दैट बिल्ड ट्रस्ट विद आवर कस्टमर्स. सो कस्टमर्स को अगर हम मेल भेज रहे हैं बाद में ऑर्डर करने के बाद, तो हमने मेक श्योर करना है कि हम उसको एंगेज करें. अगर उसकी कोई इशू आता है तो वो हमें बताए सबसे पहले, रादर देन ही गोज डायरेक्टली टू द amazon.com एंड गिव द 1-star रिव्यू, राइट. सो हम ये किस तरह से करेंगे, लेट्स लर्न दैट इन दिस मॉड्यूल. सो इसमें एक टूल है फीडबैक जीनियस. सो बेसिकली ये फीडबैक जीनियस क्या करता है जी, अगर मेरा इंटरनेट चलता है, लेट्स सी. राइट, सो लेट्स पिक वन ऑफ द प्रोडक्ट. सो फॉर एग्जांपल ये आपकी प्रोडक्ट है, ये वाली एंकर का मल्टी यूएसबी वॉल चार्जर. सो हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट बेसिकली इसका एक एसिन होता है, दैट मींस कि इसका यूनिक नंबर होता है जो कि हर प्रोडक्ट जो भी आप ऐड करते हैं वो आपको अमेज़न देता है. तो दैट मींस कि अगर आप नीचे आए थोड़ा सा देन यू विल सी ये एसिन, राइट. इसको बेसिकली इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये एसिन है. तो अब आप क्या करेंगे, इस तरह की वेबसाइट जिसको हम कहते हैं फीडबैक जीनियस, लेट इट लोड फर्स्ट. सो इसमें बेसिकली क्या होगा कि फीडबैक जीनियस जब आप साइन अप करते हैं तो फीडबैक जीनियस आपको कहता है जी आपकी कौन सी प्रोडक्ट है उसका एसिन दे. आप उसको ये वाले अपनी प्रोडक्ट का एसिन देते हैं, और जब ये वाली प्रोडक्ट का देंगे तो वो कहेगा जी ऑर्डर प्लेस होने के बाद अगेंस्ट दिस एसिन, जब भी ऑर्डर आएगा इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कौन सी मेल्स भेजनी है ऑटोमेटिकली. सो बेसिकली आपको फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट भेजेगा अमेज़न
अमेजोन के कस्टमर्स को जो कि वहां से बाय करेंगे, या आप 30-day फ्री ट्रायल भी करके देख सकते हैं कि किस तरह से ये बेनिफिट आपको दे सकता है, आपकी सेल ड्रामेटिकली इंक्रीज होगी जैसे जैसे रिव्यूज आना शुरू होंगे. सो इट्स कॉल्ड फीडबैक जीनियस. देयर आर मेनी अदर टूल्स बट आई एम यूजिंग फीडबैक जीनियस बिकॉज दिस इज रियली जीनियस टूल एंड जस्ट गिव्स यू रियली फ्लेक्सिबिलिटी कि कल को अगर कोई 1-star रिव्यू भी देगा तो आपको सारी डिटेल्स इस टूल में आएगी. सो इसमें बेसिकली अब क्या हम करेंगे, लेट्स जस्ट सी के किस तरह की हम ईमेल्स भेजेंगे. सो ये भी मैं आपको सारी रिव्यूज की टेम्पलेट्स दूंगा. रिमाइंड मी इफ आई डू नॉट शेयर, सो बट आई विल शेयर विद यू गाइस. सो इस तरह से बेसिकली आप कह रहे हैं कि जी टेम्पलेट्स आप यूज करेंगे, कि आप उसको कह रहे हैं कि यू शुड हैव रिसीव योर प्रोडक्ट बाय नाउ आफ्टर 6 days बेसिकली, और उसके बाद आप कह रहे हैं आई जस्ट वांटेड टू फॉलो टू इंश्योर यू हैव रिसीव्ड इट. इट्स जस्ट बेसिकली आपको भी इस तरह की कोई मेल भेजेगा जब आप कोई चीज बाय करेंगे, यू विल बी इम्प्रेसिव, यू विल से लाइक दिस इज अमेजिंग यार, क्या ग्रेट कस्टमर सर्विस है ये, मुझे बाद में भी फॉलो अप करके प्रोडक्ट टिप्स दे रहा है और इस तरह के पूछ रहा है कि क्वेश्चंस हैं. इसी फर्स्ट ईमेल में ही अगर उसको बैड एक्सपीरियंस होगा वो यहीं से आपको रिप्लाई कर देगा कि यार मुझे अच्छी नहीं लगी या मुझे कोई इशू आया है, इसलिए इस तरह आप अपना 1-star रिव्यू रोक लेंगे. तो क्योंकि अगर 1-star रिव्यू आ जाए तो मीन्स कि आपकी रैंकिंग फुल डाउन, और उसके लिए बहुत सारे 5 stars चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन और इंक्रीज योर रैंकिंग. सो इस तरह बेसिकली आप अगर 6 दिनों बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कुछ दिन बाद 11 दिन बाद आप भेजेंगे, फिर तीसरी ईमेल आप 16 दिन बाद भेजेंगे, इस तरह से आप साइड बाय साइड भेजते जाएंगे. और फीडबैक जीनियस में ये भी एक फंक्शनैलिटी है कि अगर बंदा रिस्पॉन्स कर दे और अगर बंदा रिव्यू दे दे तो वो उसको हम बेसिकली कहते हैं कि डू नॉट सेंड फर्दर ईमेल. सो इसको स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज वो कहेगा यार मैंने तो रिस्पॉन्ड भी कर दिया और ये बंदा मुझे बार बार ऑटो ईमेल्स में भेज रहा है, वो अनॉयड हो जाएगा. बट फीडबैक जीनियस डू दिस ऑल फॉर यू. इसी तरह हमारे पास दूसरा टेम्पलेट है कि आप 2 emails सिर्फ भेजें, उसमें डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक है. अब ये जो टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट्स वो लोग यूज करते हैं जो लोग दिन में $500,000 की सेल करते हैं, ये वो टेम्पलेट्स हैं और ये प्रूवन टेम्पलेट्स हैं कि बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक ग्रुप हु आर मेकिंग दैट मच. सो हमारा मास्टरमाइंड्स है जिसमें मास्टरमाइंड ग्रुप है जिसमें यूके यूएसए और बहुत से दुनिया से डिफरेंट लोग हैं, और उसका क्राइटेरिया एंटर होने का यही है कि यू मेक मिनिमम $500,000 सेल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डू मेक इट, सो आई एम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. और वहाँ ग्रुप में बेसिकली द बिलियनियर्स हु आर एक्चुअली यूजिंग दीज टेम्पलेट्स एंड यू आर वेरी लकी टू हैव दीज बेसिकली. और उसमें उसमें एक मतलब ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स एज वेल कि आप उसको जैसे सेकेंड टेम्पलेट आप भेज सकते हैं, और टेम्पलेट 3 में आप 4 email सीक्वेंस जो है जो आप उसको 1 day में भेजते हैं, उसमें सिर्फ जस्ट यू बी टू द पॉइंट. So they're all proven templates. So basically आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके 2 ASINs हैं तो आप किसी एक प्रोडक्ट में आप कोई और टेम्पलेट यूज कर लें, किसी दूसरी प्रोडक्ट में कोई और टेम्पलेट यूज कर लें, they all work basically. But if you really want to see which one works best for you, then you actually choose whatever is sort of convenient and best for you to use it. इसी तरह जैसे आप मतलब ये एक different है कि 7 दिनों बाद क्या आप उसको भेजें, फिर इसका टेम्पलेट जो 3rd है उसमें आप डिफरेंट आप वो भी एक डिफरेंट चीजें भेज रहे हैं. आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम पहली दिन से या पहली ईमेल पे उससे हम ये नहीं कह रहे यार रिव्यू दे दो, क्योंकि अब इस तरह बड़ा बैड इंप्रेशन होगा, बिकॉज ही विल थिंक यार ये तो सिर्फ रिव्यूज के पीछे ही पड़ा है, मतलब ही हैजंट गॉट एनीथिंग एल्स, कि इसको प्रोडक्ट की फिक्र नहीं है, ऑल ही केयर्स अबाउट इज जस्ट द फीडबैक बेसिकली. So basically you can do this if you wish, but my advice would be do not ask on the very first email. But start asking on the first or second email. So just to make sure you build up the trust. और ये सब कुछ automation होगी. For let's say कि आपके पास दिन के 500 order आते हैं, right? और 500 लोगों को ये mail जाएगी खुद ब खुद, इस तरह के templates जाएंगे खुद ब खुद उनको receive होंगे, and they will be amazed कि क्या customer service है. So इस तरह आपकी जो conversion rate होगी that will rapidly increase. So इसमें this is very important कि आप इस तरह की कोई भी tool use करें. Until and unless कि you want to send email to 500 people manually our order के against जाके, जो कि बहुत ही लंबा काम है और it's very 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 I would say कि time consuming which you obviously don't have, and you can spend that time actually in a much more productive task which obviously we'll discuss in a detail कि daily task में आप लोगों ने क्या करना है अपना brand develop करने के लिए. So इस तरह से basically आप
भेज सकते हैं. और ऑब्वियसली ईमेल समथिंग लाइक लास्टली यू विल नोटिस के टेम्पलेट्स हैव सेवरल टोकंस ना, इसमें आप देख रहे होंगे हाई नेम जैसे ऊपर आ रहा है और इस तरह मतलब ब्रैकेट्स आ रही हैं. इसका मतलब ये है कि ये खुद ब खुद से उठाएगा उसका नाम और ऑर्डर आईडी खुद ब खुद से उठाएगा. इसमें आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है कि उसके नाम बेसिकली लगाने पड़ेंगे. इसमें आप जब सिर्फ आप उसका पैरामीटर देंगे और वो खुद ब खुद से वो उठा लेगा वो नाम, एंड दैट विल एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग एंड इट विल जस्ट गो बेस्ड ऑन देयर नेम. सो दिस इज रियली आई वुड से कि ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी कन्वर्जन जो है वो इम्प्रूव होंगी. And this is all about reviews basically. आप एक और चीज देखेंगे कि अगर आप Amazon के पास आते हैं, आप एक चीज देखेंगे जी, let me actually show you. अगर हमने पहले डिस्कस नहीं किया, सो इसमें आप देखेंगे कि ये हर रिव्यू के अगेंस्ट लिखा होता है वेरीफाइड परचेज. अब जो वेरीफाइड परचेज का मतलब है कि इस बंदे ने यहां से बाय किया. अगर यहाँ वेरीफाइड परचेज नहीं लिखा हुआ मींस कि ये वैसे ही इसने अकाउंट बनाकर रिव्यू दे दिया, राइट? और अब मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा कि आपका नहीं चल रहा? क्या मेरा इंटरनेट, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो सितारा जी इज नॉट वर्किंग, राइट? सितारा इज इंटरनेट नॉट वर्किंग, राइट? सो बेसिकली आप देख सकते हैं जैसे ये वेरीफाइड परचेज है. अब जब Amazon पे वेरीफाइड परचेज जिसने परचेज किया और वो रिव्यू दे तो इसकी बहुत बहुत वैल्यू है. मींस कि इसकी जो वेटेज है वो ऐसे है जैसे अगर आप अनवेरीफाइड 100 रिव्यूज ले लें या उससे भी ज्यादा. मतलब वेरीफाइड इज वेरी वेरी क्लेवर. सो इसलिए आपने मतलब मेक श्योर करना है कि आपने उन लोगों से रिव्यूज लेना है जो बाय करते हैं. तो इस तरह बेसिकली दिस इज वेरी गुड सॉर्ट ऑफ टेक्निक व्हिच यू विल नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेट दिस डन, राइट? सो इसमें मतलब दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, सो लिस्टिंग लॉन्च फॉर्मूला. अब बेसिकली आप चाहते हैं जी कि वी शुडंट बाय रिव्यूज बट विल कम टू इट शॉर्टली कि कैसे हम लोग रिव्यूज जल्दी से ला सकते हैं. विल कम टू इट. सो अच्छा, इसमें बेसिकली अब हमने क्या करना है कि किस तरह से हमने जल्दी से प्रोडक्ट को रैंक करना है, सबसे ऊपर लेकर आना है या हमने मतलब ग्रेजुअली उसकी थोड़ी स्पीड करनी है. सो फॉर्मूला जो बेसिकली क्या है, अपने ब्रांड नेम को हम फेसबुक एडवर्टाइज कर सकते हैं? जी डेफिनेटली कर सकते हैं, बट स्टार्ट विद योर प्रोडक्ट्स. बट व्हेन इट स्टार्टेड टू वर्क देन एक्चुअली यू कम टू ब्रांड. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो बेसिकली हमने क्या करना है कि यूज दिस सिस्टम फॉर इमीडिएट सेल्स एंड रैंकिंग. सो ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट मॉड्यूल में, टाइटल कैसे हो, इमेजेस कैसे हो, बुलेट पॉइंट्स कैसे हो, डिस्क्रिप्शन कैसे हो और कीवर्ड सर्च टर्म्स कैसे हो बेसिकली. और उसके बाद आपने 5 से 10 रिव्यूज लेने हैं. 5 से 10 रिव्यूज कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ही हैं तो उनके थ्रू ले सकते हैं. मेक श्योर दैट दे आर नॉट इन पाकिस्तान बट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. एंड आई मीन वेरी would have been all right, very beneficial अगर वो अमेरिका में मौजूद है और वहां से आप बेसिकली उनसे ले सकते हैं. और उसके बाद आप Amazon sponsor products ads जो हैं वो चलाएं. अच्छा, किसी को सबको पता है Amazon sponsor products ads क्या होते हैं? Yes, no. Right, so let's see. So इसमें basically क्या होता है, जैसे Amazon की अपनी ही एक इनसाइट, जैसे गूगल एड्स होते हैं इसी तरह Amazon के भी एड्स होते हैं. मींस कि अगर आप सर्च कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फेसबुक एड्स होते हैं बट Amazon के भी एड्स होते हैं. बट लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो अगर आप सर्च कर रहे हैं पावर बैंक, अब ऑब्वियसली लाखों लोग पावर बैंक बेच रहे हैं, राइट? अब आप चाह रहे हैं जी इन पावर बैंक के अगेंस्ट मैं सबसे ऊपर आ जाऊँ. अब आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड बाय रैव पावर, सबसे ऊपर उसका आ गया नो मैटर व्हाट. सो इस तरह से आप अपने Amazon एड्स को चलाते हैं, जो कि आप जब Amazon पे लॉगिन करते हैं तो
तो आपको अमेजोन एक फंक्शनैलिटी देता है जिससे आप एड चला सकते हैं। अभी हम उसका भी स्क्रीनशॉट देखते हैं। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं स्पॉन्सर एड्स। सो अमेजोन खुद से ही कीवर्ड्स बेसिकली डिसाइड करता है जो कि आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, इसको कहते हैं ऑटो एड्स। सो इसी तरह जैसे ये पहला पेज है, आप देख सकते हैं इस पहले पेज पे भी ये कुछ प्रोडक्ट्स नीचे आ रही हैं जो कि स्पॉन्सर्ड है। इस तरह आप लाखों करोड़ों लोगों से ऊपर आ जाते हैं और हर कीवर्ड्स के अगेंस्ट उसकी रैंकिंग होती है। और हर कीवर्ड बेसिकली यू कैन से के ईच कीवर्ड वुड हैव देयर ओन सीपीसी मींस कॉस्ट पर क्लिक। सो पावर बैंक का अलग रेट है और पोर्टेबल चार्जर का अलग रेट, कीवर्ड हर कीवर्ड का अलग अलग रेट है जो कि अमेजोन आपको बेसिकली चार्ज करता है। सो इस तरह बेसिकली आप क्या करेंगे, आप स्पॉन्सर एड चलाएंगे जो कि आपको बेसिकली क्या बेनिफिट देगा कि आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना शुरू कर देगी और फिर वो आपको बाद में एक रिपोर्ट जनरेट करता है अमेजोन जिसको आप देखते हैं कि किस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी सेल होती रही है बहुत ज्यादा और वही कीवर्ड आप बेसिकली बाद में हर जगह यूज करने शुरू कर देते, राइट। सो उसके बाद ऑब्वियसली आप शेयर करें अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक पे, जगह जगह टाइमलाइंस पे, ईमेल, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया प्रमोशन चलाएं, फेसबुक बिजनेस पेज उसका ऑब्वियसली आपने क्रिएट किया होगा, बूस्ट करें उसको एंड देन वॉच योर प्रोडक्ट सेलिंग। अगर नहीं सेल हो रही देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर आप ये सब कुछ करें एंड आई एम 110% श्योर कि ये अगर आप कर लें ये सारे जो स्टेप्स आपको बताएं, इट वुड वर्क एंड यू योर प्रोडक्ट विल स्टार्ट सेलिंग, राइट। सो दिस इज अ प्रूवन फॉर्मूला एंड यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द मिलियनेयर्स, राइट। सो इसमें बेसिकली ये आपका स्क्रीनशॉट है, बट इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग ना। ऑल इट कॉस्ट इज कि आप बेसिकली अपनी कहां पे आपको पैसे लग रहे हैं, सिर्फ स्पॉन्सर्ड एड पे यार, वायरल लॉन्च पे आते हैं अभी। सो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं, बट दैट्स गुड पॉइंट कि विल कम टू वायरल लॉन्च। ओके, सो लिस्टिंग लॉन्च सिस्टम। सो हम कह रहे हैं जी कि ऑब्वियसली हमने जैसे किया कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सब कुछ लेकर 5-10 रिव्यू और अमेजोन एड्स लाए। इस तरह से स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं कि आप बेसिकली सिलेक्ट कर रहे हैं कि स्टार्ट डेट क्या है, इसकी एंड डेट क्या है, and then you just select automatic targeting and then next step it just finish. aur uske baad basically aap just asin select karte hain kaun si product ke against chala do, to ye phir automatically amazon apne ads ko sorry aapki product ko different keywords ke against upar lana shuru kar deta hai aur log jo hai usko buy karna shuru kar dete hain. isi tarah jaise hum basically promotions chala sakte hain और इसमें अपनी प्रोडक्ट का कोई भी डिस्काउंट कूपन कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट। तो आप कह रहे हैं यार अब मैं अपनी थोड़ी प्रमोशन करता हूँ इसको, इसकी रैंकिंग, क्योंकि हमें पता है कि अमेजोन की रैंकिंग कैसे काम करती है, कौन ऊपर आता है, जिसकी ज्यादा सेल हो, बेस्ट सेलर रैंक की लॉजिक क्या है, जिसकी ज्यादा सेल हो वो ऊपर होता है, वो ज्यादा हर कीवर्ड के अगेंस्ट ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो आप कहते हैं यार मेरे पास थोड़ा सा बजट है और मैं क्या करता हूँ इसको ना इसकी प्राइस $20 रख के $15 की कर देता हूँ, मींस के 40% डिस्काउंट जो है मैं ऑफर करता हूँ लोगों को और इसको प्रमोट करता हूँ फेसबुक पे प्रमोशन पेज पे और इसके अगेंस्ट मैं थोड़ी सी एड्स भी चलाता हूँ। तो इसमें देन यू विल आल्सो सी के पीपल विल स्टार्ट सॉर्ट ऑफ क्लिकिंग एंड बाइंग योर प्रोडक्ट्स बिकॉज हम टारगेटिंग ऑडियंस कर रहे होंगे। सो इट्स कॉल्ड एज एक्सटर्नल ट्रैफिक। एंड एक तो हमने इंटरनल ट्रैफिक देखी कि हम अमेजोन एड से कैसे ट्रैफिक ले सकते हैं और अब ये जो फेसबुक एड्स हैं वो है एक्सटर्नल ट्रैफिक, मीन्स क्या आउटसाइड ऑफ अमेजोन एड से हम कैसे ट्रैफिक ले सकते हैं और ऑब्वियसली वो ट्रैफिक कन्वर्ट कैसे होगी रिव्यूज जब होंगे आपके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिव्यूज आपके मौजूद हों और इस तरह की ट्रैफिक जब आपकी साइट आपकी प्रोडक्ट पेज पे आना शुरू हो जाएगी देन इट विल जस्ट स्टार्ट सेलिंग ड्रामेटिकली। इस तरह से आप बेसिकली एड चला रहे हैं जी, आप देख रहे हैं कि आप जैसे फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं से 50% ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स क्रिएट, लाइक ऑब्वियसली फेसबुक पेज आपने वो क्रिएट कर लिया होगा बाय दैट टाइम। तो इस तरह से आप बेसिकली उसको पोस्ट कर सकते हैं एज एन ऑफर।
प्रमोशन के लिए प्राइस बढ़ाना सही है तो हर चीज पे पेनलाइज करता है? नहीं यार, हर चीज पे तो नहीं पेनलाइज करता. प्राइस आपके कंट्रोल में है. यू कैन ऑलवेज इंक्रीज और डिक्रीज, बट डोंट जस्ट सॉर्ट ऑफ डिक्रीज $20 टू $1, बट डिक्रीज इट लाइक ग्रेजुअली. सो अगर आज आपने कुछ काम किया तो नेक्स्ट डे कुछ थोड़ी और कम करें. एक दिन में इतनी ज्यादा बिल्कुल नहीं कम करनी. ओके, सो इस तरह बेसिकली जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया है बूस्ट पोस्ट और फेसबुक एड्स कैसे करते हैं, इस तरह आप बेसिकली अपनी प्रोडक्ट को जो आप फेसबुक में आपने पोस्ट की होगी उसको आप बूस्ट कर सकते हैं. डिपेंड्स कि आप बजट क्या यूज करते हैं. आई यूजली यूज $5 इफ आई नीड टू. सो लाइक 500-600 रुपए में आप बेसिकली बहुत सारे लोगों को, मीन्स के 1 लाख से ऊपर लोगों को आप की रीच आपकी वहां तक पहुंच जाती है. So it's an amazing and proven formula. इस तरह से मतलब you will just watch your product selling. And I bet and I'm sure and I guarantee you that it will work. Right, so अब जो भाई कह रहे थे कि viral launch कैसे use करेंगे, ये थोड़ा सा जो है उन लोगों के लिए है जिनका थोड़ा सा budget है. तो अब हमने देखना है जी कि हम viral launch को किस तरह से हमें use करना चाहिए. अब लेट्स सपोज के आपके पास जी एक प्रोडक्ट है आईफोन 8 का केस, या आपके पास कोई प्रोडक्ट है वाटर बॉटल है, या और कोई भी प्रोडक्ट बेसिकली जो कि आपके पास इस वक्त मौजूद है. तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप कीवर्ड स्काउट में आएंगे. राइट, आप कीवर्ड स्काउट में कहते हैं जी कि मैं आईफोन 8 केस के अगेंस्ट देखता हूँ ये कैसा कीवर्ड है. अब आईफोन 8 केस क्या करता है, सॉरी आईफोन केस बेसिकली 8 केसेस आईफोन केसेस मीन ये बता रहा है आपको कि एक दिन में जंगल स्काउट बता रहा है 71,451 लोग इसको सर्च करते हैं, 5,76,184 लोग ब्रॉड मैच मीन्स कि जिसमें आईफोन केस आता है बट और भी कीवर्ड्स होते हैं, ये एक दिन में सर्च करते हैं. राइट, सो इमेजिन द पोटेंशियल. And then ये कह रहा है आपको recommended giveaway. ये कह रहा है कि estimated number of daily promotional giveaways means कि अगर आपके पास budget है थोड़ा, आप कह रहे हैं जी कि मुझे बस top 3 में ला दो, मैं नहीं wait कर सकता इतना लंबा कि एक दो माह बाद मैं ऊपर आऊं जिसमें मेरी सेल 1,000-2,000 हो. मुझे बस कल से ही 1,000-2,000 सेल चाहिए, मैंने कल से ही ऊपर आना है, मुझे नहीं फिक्र मेरे पास थोड़े से पैसे ज्यादा है. तो आप क्या कह रहे हैं जी, ये कह रहा है आपको जंगल स्काउट के 85 मींस के 85 यूनिट्स आपने फ्री गिव अवे देने हैं लोगों को. मींस ऑब्वियसली लोगों को देने हैं मींस के लोग बाय करेंगे आपकी साइट से, बाय करेंगे मींस कि आपका बेस्ट सेलर रैंक जो है वो ऊपर आएगा. और अमेजोन की क्या लॉजिक है कि जो ज्यादा सेल होती है उसको ऊपर लाते हैं. तो वो कह रहा है जी अगर आप जो है ऊपर आना चाहते हैं बिल्कुल, तो 85 जो है 85 एटलीस्ट 1 वीक के लिए दें. मींस कि आप बहुत सारे 500 यूनिट्स मंगवा लेते हैं और आप 5 दिन के लिए बेसिकली इसको फ्री देते हैं. और ऑब्वियसली आपने मेक श्योर करना है आप इन्वेंट्री रन आउट नहीं करें, क्योंकि और भी जब आप रन आउट कर देंगे तो फायदा क्या ऐसी रैंकिंग है. तो इसलिए आपने न्यू ऑर्डर इन क्यू रखना है. सो यहाँ पे आपकी जो ये अभी बताते हैं नुमान. सो इसमें बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने 85 डेली देने हैं. इसमें अब जो HSA bid है इसको कहते हैं कि हेडलाइन सर्च एड, मींस कि जब Amazon एड्स लाते हैं आप तो वो आपको कहता है कि हेडलाइन पे लाना है कि कहाँ लाना है एड्स ये आपका. तो जैसे ये है हेडलाइन सर्च, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी 110, इस तरह की आप सबसे ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग से भी ऊपर सबसे ऊपर आ जाते हैं. मींस कि आप कह रहे हैं जी कि आईफोन केस जिसको 5,76,000 लोग दिन में सर्च करते हैं, मैं $1.59 लगाकर इसके ऊपर सबसे ऊपर आ जाऊंगा. ये पर क्लिक है, कोई क्लिक करेगा तो आपको इतने पैसे पड़ेंगे. एग्जैक्ट पीपीसी बिड जो भी हमने देखा कि इसकी जो गूगल है सॉरी अमेजोन एड्स हैं उसकी पीपीसी है, मींस पे पर क्लिक. वो भी जो अमेजोन एड्स आप चलाएंगे, आप इस कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे और कहेंगे जी 1.21 अगर मैं पर क्लिक ऐड करता हूं या रखता हूं तो ये मेरा सबसे ऊपर आएगा. राइट, अब बेसिकली आप कह रहे हैं जी रिकमेंडेड गिव अवे, ये मैं कहां से दूंगा, कौन लोग हैं मेरे पास, तो इतने लोग है ही नहीं, ये सर्विस कहां से आएगी,
कौन लोग मेरी 85 बाय करेंगे, जो लाइक 90% डिस्काउंट पे आपने कूपन ले देना है ना लोगों को। तो इस सर्विस का नाम है वायरल लॉन्च। जो वायरल लॉन्च क्या करता है, बेसिकली आपको हेल्प करता है, आपको बेसिकली कहता है कि जी हमें बताओ कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट आप चाहते हैं कि ऊपर आए। ये आपको कुछ कीवर्ड्स भी रिकमेंड करता है। आप डोंट जस्ट गो फॉर लाइक हम कह रहे हैं जी कि हम आईफोन केस पे ही जाना है, आपको छोटा कीवर्ड देख लें यार, मतलब डोंट जस्ट गो विद अ वेरी बिग थिंग, स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल जो के छोटे से एटलीस्ट उस कीवर्ड के अगेंस्ट आ जाएं जो कि बड़ा थोड़ा सा कम सर्च हो रहा है, इतने बड़े कीवर्ड के अगेंस्ट ना चले जाएं। जैसे ये है, अगर आप कह रहे हैं कोई फोन एड सर्च करे जिसको 900,000 लोग बेसिकली 917 लोग 1,000 ऑलमोस्ट लोग सर्च करते हैं, इसके सिर्फ दो गिव अवे हैं, सो व्हाई नॉट यू टारगेट फोन एड फर्स्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द वेरी वेरी बिग कीवर्ड, राइट। सो इसलिए हम बेसिकली उस तरह के भी कीवर्ड पिक कर सकते हैं जो कि छोटे कीवर्ड हो, इतने हैवी कीवर्ड नहीं है। सो इसमें लेट्स जस्ट मेक श्योर कि हम इसमें छोटे से स्टार्ट करें ताकि हमें इतनी इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े और हमें प्रूवन सिस्टम भी पता चल जाए। सो इसमें यू थिंक अबाउट दिस, इसमें जैसे अगर हम इसकी सॉर्ट ऑफ प्राइसिंग देखते हैं तो वायरल लॉन्च है, इसमें और बहुत सारी सर्विसेज हैं, जूम के नाम से देयर आर मेनी मेनी सर्विसेज बेसिकली हु डज ऑल ऑफ दिस। सो इसमें आप देख रहे हैं जी बेसिकली आप कह रहे हैं जी ये इसकी सर्विस है, ये आपको सारा कुछ यहाँ से ये चीजें आपके लिए करेगा, और मतलब ये भी आप बेसिकली देख रहे हैं, आप इसको मंथली हायर करना चाहते हैं तो यू आर सेइंग के क्या क्या वो आपके लिए कर सकता है। यहाँ से यू कैन सी के विच प्लान इज सूटेबल फॉर योर नीड्स। सो बट एज आई रिकमेंड स्टार्ट विद वेरी स्मॉल। ये तो ऑब्वियसली वो तरीका है कि आप कह रहे हैं मेरे से वेट नहीं होता भाई, मेरे पास पैसे हैं और मुझे जो है बस जल्दी ऊपर आना है और मुझे जल्दी जल्दी स्टार्ट मेकिंग मनी करनी है। ये वो तरीके हैं, बट अभी हमने वो तरीके भी देखे जो कि ग्रेजुअली बिल्डअप होंगे, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होंगे, मीन्स कुछ महीने लगेंगे, एटलीस्ट 2-3 months लगेंगे उसको, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता रैंकिंग डेवलप करना शुरू करेंगे, जैसे रिव्यूज ले रहे हैं और इस तरह से आप प्रमोशन रन कर रहे हैं। बट आप कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मुझे जल्दी जल्दी जो है ना आसिफ जरदारी जितना उम्मीद कर दो, तो आप बेसिकली जल्दी से ये सर्विसेज बाय करके आप अपनी रैंकिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सेलर ऑपरेशंस और ब्रांड एनहांसमेंट। अच्छा, इसमें अब जैसे हर सेलर के अगेंस्ट, हर जो सेलर है अमेज़न पे उसका बेसिकली एक सेलर पेज भी होता है जो कि आपने मेक श्योर करना है कि अभी हम डेली चेकलिस्ट को डिस्कस करते हैं, बट आपने ये मेक श्योर करना है कि दिन में जब भी आप आए तो अपने सेलर्स की रेटिंग जरूर चेक करते जाएं। वो कैसे करनी है, कुछ लोग होते हैं जो आपके सेलर्स पे भी रिव्यूज देते जाते हैं, तो आपने सेलर्स की परफॉर्मेंस को भी बेटर रखना है क्योंकि अमेज़न इसको भी चेक करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये तो अमेज़न सेल कर रहा है, लेट्स फाइंड समथिंग जो कि फुलफिल्ड बाय अमेज़न है, क्योंकि मैंने जस्ट यहाँ देखा अब ये है जैसे, राइट। सो ये शिप्स एंड सोल्ड बाय दिस सेलर, अगर हम इसको क्लिक करते हैं इस सेलर को, ये आप हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको क्लिक करें तो आप बेसिकली उस सेलर के पेज पे आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि उस सेलर के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है, ये सेलर के रिव्यू है, मीन सेलर की रेटिंग है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सेलर की रेटिंग, अब इसकी ओवरऑल रेटिंग हम देखते हैं कि क्या है, मीन्स इसके 13,533 रिव्यूज आए हैं लाइफ टाइम, और 98% पॉजिटिव है, 1% न्यूट्रल, मींस के किसी ने अगर 3 दिया तो, और नेगेटिव 1% है, सो वेरी गुड रेटिंग। इस तरह आपने अपनी मेंटेन करनी है 99%, डेफिनेटली 99, 98, 95+ मेंटेन रखनी है आपने रेटिंग। अदरवाइज अगर जैसे जैसे आपकी सेलर रेटिंग कम होती जाती है तो इसमें अमेज़न भी बेसिकली आपको प्रेफर ज़्यादा नहीं करता
मीन्स इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी सेलर रेटिंग्स में. अब ऑब्वियसली सॉरी ऑब्वियसली आप रिटर्न एंड रिफंड्स का तो आप पे मैनेज नहीं होगा ना, क्योंकि आप तो फुलफिल्ड बाय अमेज़न कर रहे हैं. तो ये उन लोगों के लिए सेक्शन है जो कि जैसे उन्होंने लिखा हुआ है अपना फोन नंबर दिया हुआ है. अब आपने को ये जरूरत नहीं है देने की क्योंकि आप फुलफिल्ड बाय मर्चेंट नहीं है, मीन्स आप फुलफिल्ड नहीं कर रहे, तो आपको रिटर्न और रिफंड की जरूरत नहीं है कोई हैसल लेने की, बिकॉज ये मैनेज बाय अमेज़न होगा. तो इसलिए ये सब कुछ आपके सिलसिले में यहाँ पे इररेलेवेंट है. ये भी इररेलेवेंट है बिकॉज शिपिंग अमेज़न कर रहा है, पॉलिसीज भी अमेज़न की हैं, हेल्प भी, और प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली आपकी सारी जितनी प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, अगर आपने किसी को अपनी पेज देना है स्टोर का वो ये है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट्स को क्लिक किया तो ये आपका बेसिकली मर्चेंट आईडी आ गया, ये है. तो इस तरह से बेसिकली आप देख सकते हैं ये सारी आपकी प्रोडक्ट्स जो कि आप सेल करेंगे. अब ये देखें बंदा कितनी ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मतलब 71 पेजेस हैं इसके. सो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स ये बंदा सेल कर रहा है. तो इट्स अ बिग पोटेंशियल बेसिकली के क्या है. सो हाउ टू फाइंड FBA एंड FBM, राइट? सो बेसिकली ये जो सेलर है ये FBM है. अब मुझे कैसे पता चला, बिकॉज अगर हम इसके प्रोडक्ट पेज पे जाएं तो ये देखे ships and ships from and sold by, ये सेलर का नाम है. मीन्स के ये फुलफिल्ड बाय अमेज़न नहीं है, इसको कहते हैं FBM. अब लेट्स ओपन समथिंग जिसमें कोई FBM लिस्टिंग हो. जी अब ये देखें, अब ये लिस्टिंग आई है, इसमें आप देख रहे हैं सोल्ड बाय एंड फुलफिल्ड बाय अमेज़न. मींस इस बंदे ने, डार्ल स्ट्रॉन्ग ने अपनी सारी प्रोडक्ट्स अमेज़न के पास रखवाई हुई है, और जब ऑर्डर आता है तो ये फुलफिल्ड बाय अमेज़न होता है. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसको क्लिक किया, फुलफिल्ड बाय अमेज़न इज अ सर्विस वी ऑफर सेलर्स दैट लेट्स देम स्टोर देयर प्रोडक्ट्स इन अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर, जो कि आप लोगों को रिकमेंडेशन है कि आप लोग इससे स्टार्ट करें. Fulfilled by merchant means जो कि FBM है, जो कि अभी हमने ये देखा, ये बंदा basically जो कि हमने ये देखा ships and sold by, ये ship भी खुद कर रहा है, sold मतलब सब कुछ खुद ही कर रहा है. तो इसको relevant इसको छोड़ दे क्योंकि मैं अभी Canada के VPN से connect हूँ, right? So इसलिए वो सोच रहा है कि मैं Canada में हूँ, इसलिए ये नहीं display होगा लोगों के लिए. तो इसलिए इस तरह आप FBM और FBA को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट आप FBA ही होंगे. तो इस तरह आपने डेली आकर अपनी रैंकिंग चेक करनी है और देखते जाना है कि क्या हो रहा है जी, और इसमें आपने अपनी सेल मेंटेन रखनी है. अब ओबीसी आपको कोई आता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मेरी सेलर रेटिंग है, तो इसमें आपने बेसिकली आपको कोई नेगेटिव रिव्यू आता है प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो आप देख सकते हैं जैसे मेरी जो सेलर रेटिंग है वो भी 100% है, राइट? सो बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं. तो इसी तरह आपने भी मेंटेन करना है. अब जैसे ये देखें कि जैसे कोई भी ये आ गया, फॉर एग्जांपल आपने जी इसको, इसने कहा है मुझे फास्ट डिलीवरी एज एडवर्टाइज वुड बाय अगेन. अब इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मैंने कोई कमाल नहीं किया, बिकॉज ये अमेजोन की डिलीवरी थी, अमेजोन ने ही शिप किया, तो इसलिए वो बहुत खुश है और उसने 5 स्टार दे दिया. अगर ये नेगेटिव रिव्यू होता तो आप इसको रिक्वेस्ट कर देते रिमूवल की, अमेज़न को रिमूव की रिक्वेस्ट जब करते हैं तो वो क्या होगा, बेसिकली अमेज़न आपसे पूछेगा क्या ये प्रोडक्ट रिव्यू है, क्योंकि अमेज़न उस प्रोडक्ट के उस रिव्यू को रिमूव करेगा जो कि प्रोडक्ट रिलेटेड होगा आपके सेलर पेज पे. अब यहाँ पे आके कोई कह देता है जी कि आईफोन केस डजंट फिट, आई डोंट लाइक द आईफोन केस, राइट? सो बेसिकली ये तो प्रोडक्ट रिव्यू है, लेकिन इसमें आपकी सेलर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अमेज़न को कि प्लीज रिमूव करें. आल्सो कुछ लोग क्या करते हैं कि यूएसए में कुछ लोगों को जैसे नहीं पता कि सेलर रिव्यू और प्रोडक्ट रिव्यू में फर्क क्या है, तो वो बेसिकली सेलर में आके रिव्यू दे देते हैं जो कि जनरल पब्लिक को तो पता चलता ही नहीं है. जैसे अगर आप फ्रंट एंड पे देखें, जो लोग प्रोडक्ट को बाय करते हैं कोई इसको क्लिक करके बाय नहीं करेगा सेलर रिव्यू पे, वो बेसिकली इसके रिव्यू देखेगा यहाँ पे जो कि ये प्रोडक्ट पेज पे. अब कुछ लोग इस तरह का रिव्यू जो है वो इस तरह सेलर पेज पे आकर लिख देते हैं, तो आपने इसको कॉन्टेक्ट पोस्ट करके पब्लिक रिप्लाई करके कह सकते हैं कि प्लीज यूज दिस लिंक
जो कि आप इसको अपने रिव्यू का लिंक दे सकते हैं डायरेक्टली और कहेंगे कि प्लीज कॉपी एंड पेस्ट द सेम रिव्यू ऑन दिस पेज बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट रिव्यू। तो इस तरह बेसिकली आप मतलब आप चेक कर सकते हैं, इसको फॉलो अप कर सकते हैं कि क्या हो रहा है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दीज रिव्यूज सेलर रिव्यूज टू प्रोडक्ट रिव्यूज।